गुड इवनिंग एवरीबडी लेट्स हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है 2023 के ईयरली करंट अफेयर का आज का एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर <coughs> यदि आपने इस पूरी सीरीज के शुरुआती वीडियो नहीं देखे तो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा इस सीरीज में आठ वीडियो अभी तक आ चुके हैं ये नाइन्थ नंबर का वीडियो है जिन लोगों ने इयरली करंट अफेयर नहीं कवर किया है उनके लिए तो बेस्ट है लेकिन जिन्होंने कवर किया है उनके लिए रिवीजन के रूप में सबसे बेहतरीन सीरीज है ये लगभग पंद्रह घंटे के भीतर पूरे साल का करंट अफेयर आपके सामने रखा गया है तो दो का ये कंप्लीट करंट अफेयर जरूर कवर कर लीजिएगा शुरुआत करते हैं आज कक्षा की इकोलॉजी इन्वायरमेंट आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के बाद सबसे ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है इसलिए करंट अफेयर इसका थोड़ा सा डिटेल में और बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है इसलिए लगभग ढाई से तीन घंटे की क्लास आप मान के चलिएगा हमें लगेगा इसको कवर करने में आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पुनः सूचित कर दूं कि हमारा इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है दो कक्षाएं हो चुकी हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है 2025 और 26 के विद्यार्थियों के लिए हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का जो क्लास है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है कंप्लीट हिंदी माध्यम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम और बाइलिंग दोनों प्रकार के बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही साथ इस समय 50% परसेंट का डिस्काउंट और छह महीने का फ्री एक्सटेंशन जो कि हम कहेंगे कि कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है आज आखिरी दिन है इस ऑफर का तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं यदि आपका चयन होता है तो अनकेडमी प्रॉमिस करता है कि हम आपकी फीस पूरी तरह से लौटा देते हैं पच्चीस फरवरी सुबह ग्यारह बजे और शाम को पांच बजे सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जिसके माध्यम से आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस और सबसे ज्यादा जरूरी स्कॉलरशिप ऑफलाइन सेंटर मुखर्जी नगर में सी सेट का हमारा आखिरी बैच 21 फरवरी से मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है आज फर्स्ट क्लास थी अभी भी आप इस बैच में ज्वाइन करके शुरुआत कर सकते हैं सुबह साढ़े छह बजे स्टार्ट हो चुका है हमारा इकोनॉमी का बहुत सारी खबरें हैं आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पर इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जो इंडेक्स है काफी विस्तृत लिया है हमने ताकि कुछ भी ना छूटे इस साल भर के करंट अफेयर में बहुत सारे नेशनल पार्क इस समय चर्चा में आए थे अलग अलग कारणों से फिर कुछ सूचकांकों की भी बारे चर्चाएं हुई है पहली बार इस वायु विषय पर भी चर्चाएं की गई है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जो पॉसिबिलिटीज है उसके नौ कारणों में से छह कारणों का उल्लंघन हो रहा है पूरे जीव है जो एक साथ चर्चा में आए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ओलि क्लाउडेड मिस्टीरिया नीलगिरी तहर आई बिजबिल ये सारी चीजें एक साथ चर्चा में आई है ताइगा सहेगा कंगारू छिपकली विक्टोरिया झील दिल्ली में प्रदूषण था उस समय कृत्रिम वर्षा के बारे में चर्चाएं शुरू हुई थी पूरे साल भर का करंट अफेयर है आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रामसर सम्मेलनों से पांच नए रामसर स्थल के साथ अब भारत में कुल 80 रामसर स्थल आ चुके हैं भारत जब पिचहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा था आजादी की उसी समय पिचहत्तर रामसर स्थल हो गए थे आपको पता होगा कि 1971 में ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी को एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया पहली बार आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर यह सम्मेलन जो हुआ था वैसे तो पूरे दुनिया भर में कई देशों ने इसको स्वीकृति दी और 1974 में ये लागू हुआ भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ और उसके बाद फिर भारत की भी कई सारी आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया गया है वर्तमान में भारत की कुल ऐसी अस्सी जगह है जिसको विश्व की रामसर आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया ये क्या होता है दुनिया की वे आर्द्र भूमियां जिनके संरक्षण के लिए सरकारी और वैश्विक समुदाय एकजुट होकर काम करता है इसी में एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड भी होता है जिसमें जो आर्द्र भूमिया मानव के कारण संकट में आ गई है उन्हें मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखते हैं तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो पांच नई आर्द्र भूमि आई है ये कौन सी है किस नाम से जानी गई है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय दो फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि के अवसर पर भारत में पांच नए रामसर स्थल नामित पांच स्थलों में तमिलनाडु और कर्नाटक दो ही राज्यों के पांचों रामसर स्थल हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल अब अस्सी हो गए हैं और मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या वाला देश बन चुका है वो पांच में कर्नाटक के तीन और तमिलनाडु के दो हैं कर्नाटक का अकस अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व अघनाशिनी मुहाना मगदी केरे संरक्षण रिजर्व ये तीनों कर्नाटक के हैं कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगवुड शोला रिजर्व वन शोला वन जनरली दक्षिण भारत में सदा बाहर वनों को ही नाम दिया जाता है आप यदि मैप को देखेंगे तो हमारे जो पूरे के पूरे 80 रामसर साइट है ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएंगे जिसमें कर्नाटक के जो तीन हैं आप देख सकते हैं कि कर्नाटक का एक तटीय वाले क्षेत्र में जो आ रहा है दूसरा कर्नाटक का जो हिस्सा बिल्कुल बीचों बीच में हम कह सकते हैं लोकेशन के रूप में और तीसरा कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा लेकिन कर्नाटक के भीतरी भाग में और तमिलनाडु के हम कहेंगे कि जो दो हैं उन्हें शामिल किया गया है तमिलनाडु और कर्नाटक केरल की बाउंड्री पर एक है लॉन्गवुड जो शोला वन होते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया ये जो शोला वन होते हैं वास्तविक रूप में सदाबहार वनों के रूप में ही जाने जाते हैं तो, आर्द्र भूमियों से जुड़ी हुई सारी खबरों को एक नजर में ही देख लेते हैं पुनः मैं रिपीट कर दूं कि भारत में अब रामसर साइट अस्सी हो गई पांच नई रामसर साइट और जोड़ दी गई है वेटलैंड सिटी मान्यता ये रामसर सम्मेलन के अंतर्गत ही एक नया प्रोजेक्ट लाया गया था 2014 में इसके बारे में चर्चाएं शुरू हुई थी कि हम कब तक केवल और केवल किसी आर्द्र भूमि का संरक्षण करेंगे शहर जहां पर बड़ी संख्या में आर्द्र भूमिया होती है तालाब होते हैं झीले होती है, है। क्यों ना पूरी तरह से एक वेटलैंड सिटी को ही स्टार्ट करे संरक्षण करने में तो एक वेटलैंड सिटी की मान्यता की शुरुआत हुई थी और इसके तहत भारत के इंदौर भोपाल और उदयपुर को प्रस्तुत किया गया अभी मान्यता मिली नहीं है लेकिन प्रस्तुत किया गया है रामसर अभिशय के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन भूमियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 में जो कॉप 12 हुआ था उरुग्वे में वहां पर ये निर्णय लिए गए थे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मैंने बताए थे अलग अलग विषय पर होते हैं ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पूरी तरह से बेस्ट है वेटलैंड पर ताकि शहरों का भी संरक्षण किया जा सके तो इंदौर भोपाल और उदयपुर दो शहर मध्य प्रदेश के और एक शहर राजस्थान का है जिनको आद्र सिटी के रूप में या वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव भेजा गया है देश का चौवनवा टाइगर रिजर्व फिफ्टी फोरवा टाइगर रिजर्व आपको पता होगा कि पिछली बार जो हमने क्लास ली थी यूपी का रानीपुर त्रेपनवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और इस समय चौवनवा टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया है राजस्थान स्थित धोलपुल करोली को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है हमारे देश में कौन सा स्थान टाइगर रिजर्व के रूप में माना जाएगा ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन तय करता है और एन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत संस्था है यह हमारे देश में न केवल नेशनल टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करता है बल्कि टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई सभी परियोजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करता है तो चौवनवा टाइगर रिजर्व राजस्थान का धौलपुर करौली और त्रेपनवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में रानीपुर है उसे घोषित किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारे देश में वर्ष 2005 में इस संस्था का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण करने की जो शक्ति प्राप्त की गई थी उन्नीस के वन्य जीव अधिनियम के माध्यम से इस नोडल एजेंसी को बनाया गया इसका मेन काम है बाघों के संरक्षण के लिए प्रोग्राम तैयार करना इसमें केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अध्यक्ष होते हैं आठ सदस्य होते हैं जिनमें तीन सांसद होते हैं एक राज्यसभा से दो लोकसभा से और पांच या तो विशेषज्ञ लोग होते हैं या आदिवासी कल्याण से जुड़े हुए लोग होते हैं यदि आप इनकी वेबसाइट पर देखेंगे तो बकायदा लिखा हुआ है कि 1972 का प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके सेक्शन थर्टी एट एल में एन की पूरी तरह से बॉडी के बारे में बताया गया है इसका अध्यक्ष मंत्री होता है पर्यावरण मंत्री और उपाध्यक्ष एक प्रकार से हम कह सकते हैं राज्य मंत्री को रखा गया है तीन मेंबर होते हैं जिसमें एक राज्यसभा से और दो लोकसभा से होते हैं साथ ही साथ एट एक्सपर्ट ऑफ प्रोफेशनल हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन तीन मेंबर के साथ साथ आठ एक्सपर्ट लोग भी होते हैं जैसे कि यहां पर बताया गया था आठ एक्सपर्ट लोगों के अलावा एक सेक्रेटरी भी होता है सचिव होता है जो इसी मंत्रालय का सचिव होता है डायरेक्टर जनरल जो फॉरेस्ट का होता है वो भी इसका सदस्य होता है डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का व्यक्ति भी इसका सदस्य होता है छ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी इसके मेंबर होते हैं एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मतलब बहुत ही बड़ी संस्थाओं सदस्यों से रहता है तो इतना मत याद रखना लेकिन इतना जरूर याद रखना कि एन टी सी ए के अध्यक्ष पर्यावरण और वन मंत्री होते हैं फिर कुछ टाइगर रिजर्व जो चर्चाओं में आ गए थे नागजीरा टाइगर रिजर्व नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में है क्यों चर्चा में आ गया मानव पशु संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से दो मादा बाघों का नागजीरा टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर किया गया था तो नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में स्थित है कान्हा पेंच तांडोबा अंधारी इंद्रावती कवल नागार्जुन सागर अचन कमार जैसे अभ्यारण्यों के साथ इसकी सीमा मिलती है बाउंड्री मिलती है 1970 में वन्यजीव अभ्यारण्य एवं वर्ष 2012 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित मतलब एक प्रकार से ये बहुत पहले से ही पुराना क्षेत्र है लेकिन ये दो पॉइंट जरूर याद रखिएगा फिर विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी चर्चाओं में आया था मध्य प्रदेश में विरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य जो सातवां टाइगर रिजर्व एमपी का इसके पहले टाइगर रिजर्व एमपी में कान्हा, सतपुड़ा, पेंच, पेंच पन्ना और और संजय डुबरी। जो है वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर आता है तो कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहते हैं क्योंकि इस समय की वर्तमान की बाघ जनसंख्या में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में मिले हैं एक जमाने में कर्नाटक आगे हो गया था लेकिन पुनः मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है उसके बाद कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड ओवरऑल पूरे राज्य में बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश नंबर वन पे है लेकिन यदि आप किसी टाइगर रिजर्व की बात करें तो जिम नेशनल पार्क जो है वहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है किसी एक टाइगर रिजर्व में तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा इसलिए उसको बाघ राज्य भी कहा जाता है तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश का सातवां टाइगर रिजर्व है यह सातवां टाइगर रिजर्व बनने के कारण ये चर्चा में आया था, था पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु सरकार का निर्णय तमिलनाडु ने अपना अठारहवा वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया है इस अभ्यारण्य में कावेरी नदी की सहायक नदी पलार नदी बहती है यह अभ्यारण्य सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माले महादेश्वरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य और कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में कनेक्टिविटी को मजबूत करता है मतलब एक तरफ है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दूसरी तरफ है कावेरी और महामदेश्वरा हिल्स इन दोनों के बीच में मिलता है तमिलनाडु का यह अठरवा वन्य जीव अभ्यारण्य थान थाई, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य तो थानाई था पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी चर्चा में आया था असोल भट्, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा असोला भट्टी में आयोजित होने वाले वॉक विद द वाइल्ड लाइफ कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई रोक लगाने का कारण प्रतिभागियों के साथ साथ अभ्यारण्य में वन्य जीवों के जीवन को खतरा मतलब इसमें वॉक विद वाइल्ड लाइफ कार्यक्रम में जंगल के जीवों के साथ कई प्रकार के एक प्रकार से एडवेंचरस प्रोग्राम रखे जाते हैं असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में दिल्ली रिज में मिलता है यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला को सिंधु गंगा मैदानों से जोड़ता है अभ्यारण्य का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है यहाँ स्थित नीली झील और बटरफ्लाई पार्क इस वन्य जीव में दो में बीज बैंक सीड बैंक भी लाया गया था ताकि पौधों के बीजों को संरक्षित किया जा सके परियोजना दिल्ली वन विभाग बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा चलाई जा रही थी दिल्ली में विलुप्त हो रहे वृक्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वृक्षों के रोपण में लोगों को सक्षम बनाकर उन्हें वनस्पतियों के बीच उपलब्ध कराने और उनकी अवस्थिति का मानचित्रण करने के लिए आप जानते होंगे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हमारे देश की सबसे पुरानी पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने वाली एनजीओ है आत्माराम पांडुरंग और डॉक्टर सखाराम अर्जुन इसके प्रमुख संस्थापक रहे हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन और सबसे पुराना गैर सरकारी संगठन एनजीओ कहेंगे भारत का आप इसकी स्थापना देख सकते अठारह की है 2014 में एक प्रश्न भी आया था यह पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन काम करता है गलत बात है ये एनजीओ है ये या क्रिया आधारित रिसर्च शिक्षा और लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है बिल्कुल सही बात है यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्रा और शिविरों का आयोजन करता है ताकि लोगों को अवेयर कर सके तो हम कहेंगे कि दूसरा और तीसरा दोनों बातें बिल्कुल सही है फिर कांगेर घाटी नेशनल पार्क चर्चा में आया था भारत सरकार द्वारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है भारत सरकार द्वारा यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन के आधार उनकी रिक्वेस्ट पर किया गया है छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क जिसे विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क जगदलपुर और दरभा जिले में आता है मनभावन तीरथगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर उड़ीसा की सीमा से होकर बहने वाली कोलाब या सबरी नदी तक लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है बीचों बीच कांगेर नदी प्रभावित है इसी कारण से इसका नाम कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी रखा गया है 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था और विश्व धरोहर सूची में ये पहला नेशनल पार्क इसलिए जाएगा क्योंकि इसके पहले केवल सुंदर वन है जो एक प्रकार से हम कहेंगे कि रिजर्व के रूप में माना जाता है छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी बस्तर मैना इस जगह पर मिलता है इसके अलावा ड्रिप स्टोन फ्लो स्टोन चूना पत्थर की गुफाएं यहाँ पर मिलती हैं। तो आइए एक बार जरा देख लेते हैं फिर से ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व जो पुनः चर्चा में आए सबसे पहले चौवनवा टाइगर रिजर्व के बारे में बातचीत कर लेते हैं चौवनवा टाइगर रिजर्व राज, राजस्थान में धौलपुर करौली बना है तिरपनवा उत्तर प्रदेश का रानीपुर था फिर आपको मैंने बताया कि नागजीरा टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले का है वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में सातवां टाइगर रिजर्व बन चुका है था पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया है असोल भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर मिलता है फिर, कांगेर घाटी नेशनल पार्क यह छत्तीसगढ़ में है जगदलपुर और दरभा जिले में मेलिनिस्टिक टाइगर सफारी आपको मैंने बताया था कि हमारे देश में उड़ीसा के अंतर्गत एक ऐसा टाइगर मिलता है जो थोड़ा सा ज्यादा डार्क कलर का होता है ब्लैक टाइगर भी कह देते हैं उसको। मयूरभंज जिले में सिमलीपार टाइगर रिजर्व के पास मेलेनिस्टिक टाइगर सपारी की चर्चाएं हुई है दुनिया में ब्लैक टाइगर केवल यही पर मिलते हैं और ये दुर्लभ रंग का इसलिए है केवल और केवल इसके जिन परिवर्तन के कारण इसके ऊपर जो ब्लैक पट्टे होते वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाते हैं आप देख सकते हैं कि चित्र में ब्लैक टाइगर सिंपली पार नेशनल पार्क उड़ीसा में इसकी सफारी स्टार्ट की गई सफारी का मतलब होता है कि आप जाइए एक गाड़ी के अंदर बैठिए गाड़ी आपको जंगल के अंदर ले जाएगी और आपको इस टाइगर को दिखाने की कोशिश करती है ये सफारी सब जगह चलती है गिर नेशनल पार्क में सफारी मिलती है हमारे जिम नेशनल पार्क में सफारी इसके द्वारा आप बाघों को देख सकते हैं फिर कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल वैसे भी कूनो मध्य प्रदेश का ये बड़ा फेमस है क्योंकि अफ्रीका से लाए गए चीतों को यही बसाया गया था सत्रह दिसंबर से तेईस दिसंबर में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल आयोजित किया पहली बार इस पर्यटन कार्यक्रम इस नेशनल पार्क में आयोजित किया गया है इस दौरान कूनो नेशनल पार्क में ठहरने की व्यवस्था पर्यटकों के लिए की गई थी कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते भी रखे गए हैं दक्षिण अफ्रीका से बारह चीते आए थे और नामीबिया से आठ कुल बीस चीते आए थे जिसमें से आप जानते हैं कि कितने चीते मर गए हैं एक बार जरा कमेंट्स करिएगा भारत से चीता विलुप्त हो चुका है जो भारतीय प्रजाति का था ये अफ्रीकन चीते हैं बीस चीतों में अब केवल कितने जीवित चीते बचे हैं मैं चाहूंगा कि एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताएं पूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का दो में बना नेशनल पार्क है चीतल सांबर नील गाय जंगली सुवर चिंकारा यहाँ जीव मिलते हैं फिर मध्य प्रदेश में एक गाय अभ्यारण्य बनाया गया था कामधेनु गाय अभ्यारण्य ये भारत का पहला गाय अभ्यारण्य था मतलब अभी तक पक्षी अभ्यारण्य आपने सुने होंगे बर्ड सेंचुरी सुनी होगी लेकिन ये गाय सेंचुरीज थी पहली बार मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में ग्राम सालरिया में 2012 में इसको बनाया गया था ये मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खर्चे से बनाया था पर भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में अभी इसका कोई विशेष नाम नहीं जैसे कामधेनु गाय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश वालों का था राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 के तहत इसका निर्माण किया गया है आवारा गोवंशी पशुओं को आवास आवा सुविधा प्रदान करने के मकसद से फिर प्रधानमंत्री जी अपने कुछ फोटोग्राफ में एक गाय के साथ दिखे थे जिस गाय का नाम था पुंगनूर गाय 14 जनवरी 2024 को पोंगल और मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा पुंगनूर नस्ल की गाय की विशेषताओं का उल्लेख किया गया पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में चित्तूर जिले के पुंगनूर वायलापाड़ू मदनपल्ली और पालमनीर तालुका की मूल प्रजाति इतना जरूर याद रखना कि आंध्र प्रदेश की प्रजाति है इसे ब्रह्मा नस्ल की गाय कहते हैं हाइट बहुत कम होती है कई लोग कहते हैं कि इन्हें घरों में भी पाला जा सकता है क्योंकि इनकी हाइट बहुत ही कम होती है हमारे देश के कुछ ऐसे नंबर वन मतलब एंकर हैं जिन्होंने अपने घर में पाली नहीं लेकिन लोगों को बहुत सलाहें दी थी शायद उनके घर में दो चार तो होगी मेरे हिसाब से की जो औसत ऊंचाई ऊंचाई होती है तीन से चार फीट तक होती है इसलिए से घर में पालना आसान और खर्चा भी कम होता है और इनमें दूध में फैट की मात्रा बेटर मानी जाती है बाकी गाय की तुलना में औसतन दो दूध दो लीटर प्रतिदिन देती है आते हैं संपीडित बायोगैस आधारित सतत रिपोर्ट कंप्रेस्ड बायोगैस याद रखिएगा कि कंप्रेस्ड बायोगैस बायोगैस में होता क्या है मिथेन जैसे सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी उसमें भी मिथेन ही होता है बस संपीडित करके उसमें दाब पैदा करके उसके आयतन को कम किया जाता है तो यदि कोई बायोगैस गोबर गैस जिसको कंप्रेस किया जाए तो उसको संपीडित बायोगैस कहते हैं। तो CNG, गैसों के नाम एक बार देख लीजिए आप लोग। एक होता है सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस एक होता है एलएनजी लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक होता है सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस, एक होता है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो ये सभी नाम याद रखिएगा फिर PNG भी होता है पाइप्ड नेचुरल गैस पाइप के माध्यम से जो भेजी जाती है तो उस पर एक रिपोर्ट आई है फिर से बता दू सारे गैसेस को कंप्रेस नेचुरल गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंप्रेस्ड बायोगैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और आ, पाइप्ड नेचुरल गैस इन सभी में मिथेन होती है इन सभी में एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होती है बाकी सभी में मिथेन का ही मुख्य घटक होता है एक रिपोर्ट आई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संपीडित बायोगैस आधारित सतत पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा पर एक रिपोर्ट पेश की है कि हम इसके लिए जो एक कार्यक्रम ला रहे हैं उसका क्या परिणाम निकला संपीडित बायोगैस का एक संवर्धित रूप है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक मिथेन और चार प्रतिशत तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो पहले तो सीबीजी में क्या होता है ये पता होना चाहिए साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी अन्य गैसें भी थोड़ी मात्रा में उपस्थित होती है सस्टेनेबल सतत इनिशिएटिव सतत वर्ष 2018 में पेट्रोलियम केंद्रीय प्राकृतिक गैस और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल थी एक इनिशिएटिव था इस पल का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र के लिए और यदि जी भरा गया तो कहीं ना कहीं हमें दुनिया भर से जो नेचुरल गैस का आयात करना पड़ता है वो तो कम करना पड़ेगा क्योंकि फिर हम बायोगैस अपने देश में ही बना सकते हैं तो कंप्रेस्ड बायोगैस का मेन मकसद है कि नेचुरल गैस को जैसे सीएनजी बनाया जाता है वैसे ही सीबीजी का उपयोग वाहनों के अंदर किया जाएगा और रिपोर्ट के अंतर्गत 90 परसेंट इसमें भी मिथेनी होती है कैसे बनाई जाएगी तो याद रखिएगा कि हमारे देश में जितने भी कृषि अवशेष होते हैं मवेशियों के गोबर होते हैं नगर पालिका का ठोस कचरा होता है यदि इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए प्रबंधित किया जाए तो सोचिए कि कृषि अपशिष्ट और नगरीय अपशिष्ट से हम अगर बायोगैस बना पाएं और उसको कंप्रेस रूप में कन्वर्ट कर पाए तो हमारे देश की बहुत बड़ी आवश्यकता जो ईंधन के रूप में है हम उपयोग कर लेंगे बड़ा बेनिफिट होगा कृषि अपशिष्ट भी खत्म हो जाएंगे और नगरीय अपशिष्ट भी अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन जरूरत है उसके लिए पैसों की रिपोर्ट क्या कहती है रिपोर्ट कहती है कि सीबीजी परियोजनाओं को वांछित दर पर कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है अब तक केवल 40 सीबीजी संयंत्र स्थापित किए गए रिपोर्ट नकारात्मक कह रही है वो कह रही कि अभी तक सीबीजी वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे कि हम सोच रहे थे कि हमारे देश में कार्यक्रम लाने के बाद 200 सौ सी चार हो जाएंगे अभी तक केवल 40 सीबीजी संयंत्र स्थापित हो पाए हैं सीबी परियोजनाओं को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु पैसों की जरूरत है और पैसा ही तो नहीं है हमारे पास सीबीजी परियोजनाओं के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार हेतु जीवाश्म ईंधन अवसंरचना कोष तथा क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि भाई जो भी लोग फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना दीजिए

तो सीबीजी सतत पहल में नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया गया है कि वो ऐसा परिणाम नहीं आ रहा है और उसके लिए पैसों की जरूरत है जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग बन के उभरा है अगली खबर है भारत के प्रदूषित शहरों की सूची फिनलैंड स्थित है तो दूसरे देश की एक गैरलाभकारी थिंक टैंक संस्था है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने जारी की है एक रिपोर्ट भारत के दो शहरों का अध्ययन किया और 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्नी हाट है ये चर्चा में आ गया है बर्नी हाट इस कारण से दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार का बेगूसराय और यूपी का ग्रेटर नोएडा तो बर्नी हाट इस संस्था के द्वारा बताया गया है सबसे प्रदूषित शहर नाम है संस्था का सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर फिर एक और नवीन रिसर्च आया है ब्रिटिश मेडिकल जनरल ने प्रकाशित किया है भारत में वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष इक्कीस लाख से अधिक लोगों की मौत होती है याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है आपके पास ये आप यूज करेंगे आंसर राइटिंग में आंकड़ों को बताने के लिए लिखेंगे कि द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष इक्कीस लाख लोग मर रहे हैं इकसठ प्रतिशत मौतें केवल ईंधनों के कारण पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल के उपयोग के कारण इस इक्कीस लाख का इकसठ पड़ से चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं और इसमें भी सबसे बड़ा कारण बताया गया है पीएम टू पॉइंट फाइव के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष दो लाख से अधिक अजन्मे बच्चों की गर्भ में ही मौत हो रही है दो तो लाख बच्चे यदि इंसानों द्वारा किए जा रहे वायु प्रदूषण को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया जाए मतलब मनुष्यों के द्वारा जो गाड़ियां चलाकर या किसी भी तरीके से वायु प्रदूषण किया जा रहा है यदि उसको कंट्रोल कर दीजिए तो इन मौतों का 82 परसेंट भाग आप कंट्रोल कर सकते हैं यदि हर भारतीय साफ हवा में सांस ले तो उसका जीवन साढ़े साल तक बढ़ सकता है रिपोर्ट में बड़ी बातें बताई गई हैं बीएमजी के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के कारण इक्कीस लाख मौतों का आंकड़ा बताया गया है दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर मौतों के मामले में यदि पूरे प्रदूषण को कंट्रोल कर ले तो 82 परसेंट मौतों से छुटकारा पाया जा सकता है जान बचाई जा सकती है लोगों की फिर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उद्योग और रंगाई इकाइयों के द्वारा नदियों में रासायनिक अपशिष्ट डंपिंग को कम करने के लिए 80 औद्योगिक क्षेत्रों के विशिष्ट पर्यावरण मानक अधिसूचित किए हैं क्या है ये मानक जनरली इसका मकसद ये है कि उद्योग और रंगाई उद्योग से निकलने वाला प्रदूषण अगर किसी जलाशय में जा रहा होगा तो हम उसको सूचित कर देंगे कि आपका प्रदूषक इतनी मात्रा में ही जलाशय में जाएगा मानकों के अनुपालन न करने की स्थिति में उद्योगों के खिलाफ जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है आपको पता होगा कि ये तीनों ही कानून हमारे देश में पर्यावरण के लिए अलग अलग फैक्टर में जो भी उल्लंघन करते उनको दंडित करने के प्रावधान करते हैं किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रदूषण सूचकांक भी तय किए गए हैं लाल रंग की श्रेणी अगर साठ और उससे अधिक प्रदूषण सूचकांक के आंकड़ों वाले औद्योगिक क्षेत्रों को लाल रंग की श्रेणी में रखा जाता है मतलब उस मानकों के तहत यदि कोई भी प्रदूषण को उद्योग प्रदूषण 60 या उससे ज्यादा जो 60 80 मानक बनाए गए उसमें से 60 मानकों में प्रदूषण पैदा कर रहा है तो उसको रेड रेंज में रखा जाता है जो 41 से 59 के बीच में प्रदूषण रखता है उनको नारंगी रंग की श्रेणी में रखते जो 21 से 40 के बीच में रखा जाता है उन्हें हरे रंग की सूची में रखते और जो बीस से कम प्रदूषण सूचकांक के औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं उन्हें सफेद रंग की श्रेणी में रखा जाता है तो ये चारों श्रेणियां पूछी जा सकती है मैं पुनः बता दे रहा हूं उद्योग और रंगाई उद्योगों से जलाशयों में होने वाले प्रदूषण के लिए 80 मानक बनाए गए हैं यदि कोई उद्योग 60 से ज्यादा मानकों में प्रदूषण फैला रहा है तो सबसे खतरनाक उद्योग है उसको रेड रेंज में रखा गया है यदि कोई सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है बीस से भी कम आंकड़े बीस से कम संकेतकों में तो सफेद रंग की श्रेणी इकतालीस से फिफ्टी नाइन वालों को नारंगी में रखा गया और इक्कीस से चालीस वालों को हरे रंग की श्रेणी में रखा गया है सफेद रंग वाली जो श्रेणी है वास्तविक रूप में माना जाता है कि वो कोई प्रदूषण नहीं फैला रही है तो इसके अंतर्गत अलग अलग उद्योगों को जो भी एक प्रकार से लाइसेंस की बात आएगी पर्यावरणीय लाइसेंस की आवश्यकता होगी तो वो उसके द्वारा प्राप्त किए गए मानक और कलर के आधार पर उनको तय किया जाएगा कि वह किस जगह पर लगाई जा सकती और किस जगह लगाई नहीं जा सकती भारत में पर्यावरण संबंधी अपराध जो हमारे देश में अपराधों का रिकॉर्ड रखने वाली संस्था है जिसका नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट में पर्यावरण संबंधी अपराधों का आकलन किया गया है रिपोर्ट में एक बात तो अच्छी आई है कि रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के खिलाफ अपराधों की संख्या में गिरावट देखी गई है भारत में पर्यावरण संबंधी अपराधों की कुल संख्या में 2021 की तुलना में 2022 में 18 परसेंट की गिरावट देखी गई है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत उल्लंघन के लिए दर्ज मामलों में लगभग बयालीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो ओवरऑल पर्यावरण में तो कमी है लेकिन इन दो माम कानून के तहत जो मामले दर्ज हैं, उसमें वृद्धि हुई है बयालीस प्रतिशत की आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र और हरियाणा में वन संबंधी अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा वृद्धि हुई बिहार पंजाब मिजोरम राजस्थान उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में वन्य जीव संबंधी यहां पर पर्यावरण वाली बातचीत है या वन संबंधी बातचीत है और यहां वन्य जीवों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि देखी गई है देश में वन्य जीव अपराध के मामलों में अधिकतम संख्या 30 प्रतिशत वाले राजस्थान में वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में ऐसे अपराधों में 50 प्रतिशत तक की की वृद्धि दर्ज गई है। राजस्थान वैसे भी इस मामले में बहुत संवेदनशील माना जाता है वहां पर कुछ ऐसी समुदाय रहते हैं जो वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपनी जान तक दे देते हैं और इसी कारण से वहां पर किसी भी प्रकार के वन या वन्य जीवों के खिलाफ जब भी कोई व्यक्ति का अपराध करता है तो उसको दर्ज किया जाता है और इसी कारण से राजस्थान इस मसले में सबसे अग्रणी माना जाता है यहां सबसे ज्यादा अपराध रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं वन और वन्य जीवों के खिलाफ तो भारत में पर्यावरण संबंधी अपराधों की हम बातचीत कर रहे हैं मानव द्वारा पृथ्वी की छह ग्रहीय सीमाओं का उल्लंघन ध्यान से समझिएगा एक रिपोर्ट है साइंस एडवांसेज ने पब्लिश की है इनके अनुसार यदि हमें पृथ्वी पर स्थिर जीवन बनाए रखना है और जीवन को बेटर रखना है तो हमें इस पृथ्वी पर नौ क्राइटेरिया को बेटर रखना होगा ये रिपोर्ट बताती है कि अगर पृथ्वी पर आप जीवन मनुष्य का अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं हमें तो इस पृथ्वी पर नौ क्राइटेरिया को बेहतर करना होगा फुलफिल करना होगा और यदि ये नौ क्राइटेरिया में उल्लंघन होता है प्रॉब्लम होती है तो फिर बहुत बड़ा चैलेंजेस हमारे लिए आ जाएगा और उसमें एक सबसे बड़ी बात जो कही गई है इनमें से जो छह क्राइटेरिया है उसका उल्लंघन ऑलरेडी हो रहा है ग्रहीय सीमाओं की रूपरेखा का वर्ष 2009 में जोहान रॉक नामक वैज्ञानिक के नेतृत्व में विश्व प्रसिद्ध 28 वैज्ञानिकों के एक दल ने इसको प्रस्तावित किया था ग्रहीय सीमा से तात्पर्य उन बिंदुओं से है जिनका पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए उनका संरक्षण किया जाना चाहिए मतलब ये नौ क्राइटेरिया वायलेट नहीं होने चाहिए और दुनिया के 28 फेमस साइंटिस्ट ने इसका निर्माण किया था क्या है वो नौ क्राइटेरिया जलवायु परिवर्तन तीव्रता से नहीं होना चाहिए जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन मतलब बायोडायवर्सिटी खत्म नहीं होनी चाहिए प्रजातियां विलुप्त नहीं होनी चाहिए, समताप मंडल, ओजोन महासागरीय अम्लीकरण जैव भू रासायनिक चक्र फास्फोरस, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल भूमि प्रणाली परिवर्तन वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए स्वच्छ तो जल का उपयोग वायुमंडलीय एरोसोर लोडिंग वायुमंडल में सूक्ष्म जो जलवायु और जीवित जीवों को प्रभावित करते हैं और नवीन तत्व जैसे माइक्रो प्लास्टिक अंतस्त्रावी अवरोधक और कार्बनिक प्रदूषक से युक्त उन्हें देख लीजिए ये नौ में से ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ तीसरा चौथा पांच हुआ जिन्हें मैं गोले लगा रहा हूं रिपोर्ट कह रही है कि ये छे डिस्टर्ब हो चुके हैं और अगर अगले तीनों भी डिस्टर्ब हुए तो मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो जाएगा छठवा सातवा आठवा और नौवा तो जो सुरक्षित है समताप मंडली ओजोन चरण ठीक ठाक हो चुका है अब मतलब कि सुधार दिया हमने चरण कम कर दिया है महासागरी अमलीकरण अभी उतना नहीं बड़ा है और वायुमंडलीय एरोस और लोडिंग उतनी मात्रा में अभी नहीं हुआ है बाकी जो छे हमने उल्लंघन कर दिया है जलवायु परिवर्तन जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन बायोडायवर्सिटी का लॉस जैव भू रासायनिक प्रवाह में परिवर्तन भूमि प्रणाली परिवर्तन स्वच्छ जल का उपयोग और नवीन तत्वों को समावेश करना ये वो कारक है जिसने इस पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है नौ बाउंड्री में से तीन बाउंड्रियों का उल्लंघन हो चुका है जिसमें सबसे ज्यादा उल्लंघन बायोजियो केमिकल फ्लो नोवेल एंटिटीज के बारे में बताया गया है प्रति दस लाख प्रजाति वर्षों में दस से कम प्रजातियों के विलुप्त होने की सीमा का अनुमान मतलब हर दस लाख प्रजातियां जो है उसमें हर वर्ष में दस से कम प्रजाति के विलुप्त होने की सीमा थी पर वह उल्लंघन हो रहा है मतलब उससे ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो रही है कारण प्रजाति के विलुप्त होने की दर दस की जगह पर सौ से ज्यादा पाई गई है अस्सी लाख पौधे जानवरों की प्रजातियों में लगभग दस लाख प्रजाति विलुप्त होने के खतरे पे पहुंच चुकी है डेढ़ सौ में पौधे और जानवरों की दस प्रतिशत से अधिक अनुवांश के विविधता खत्म हो जाएगी उनकी जो अलग अलग वेराइटीज़ थी वो खत्म हो जाएगी ब्लू वाटर जो सतही और भूजल है, ग्रीन वाटर जो पौधों के लिए उपलब्ध जल है 1905 और उन्नीस में क्रमशः दस दशमलव दो परसेंट और ग्यारह दशमलव एक परसेंट की अपनी सुरक्षित सीमा से परे अब अठारह दशमलव दो प्रतिशत और पंद्रह दशमलव आठ प्रतिशत तक गिर चुकी है पर्यावरण में फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों का प्रवाह सुरक्षित सीमा से ज्यादा बढ़ गया है फास्फोरस की सीमा ग्यारह टेराग्राम थी जो कि बासठ पर चली नाइट्रोजन की सीमा बासठ टेरा टेराग्राम तक रखी गई थी जो कि 11 था वो 22 हो गया है और जो बासठ था वो 190 हो गया है देख ला इन लोगों ने क्या किया था एक बाउंड्री बनाई थी ऐसे नौ सेगमेंट बना दिए नौ हिस्से हैं और एक लाइन खींच दी थी कि देखो अगर पृथ्वी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये बाउंड्री है तो आप अगर देखेंगे तो ओजोन डिप्लेशन बाउंड्री के अंदर है एरोसोल लोडिंग बाउंड्री के अंदर है ओशियन एसिडिफिकेशन बाउंड्री के अंदर है लेकिन आप अगर देखेंगे तो बायो केमिकल फ्लो फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा लिमिट से ज्यादा हो गई है फ्रेश वाटर का जो चेंजेस है जो ग्रीन फ्रेश वाटर और ब्लू फ्रेश वाटर है वो भी बाउंड्री से बहुत ही ज्यादा खराब या बहुत ही कम बड़ी मात्रा में क्षरण हो रहा है लेन सिस्टम का जो चेंजेस आया है वो बाउंड्री से ज्यादा हो गया है जो बायोस्पेरिक इंटीग्रिटी थी जिसका मतलब था कि जैव विविधता जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की कगार पर है बाकी बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की कगार पर है क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो प्लास्टिक है उसका प्रदूषण भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि नौ बाउंड्री में से छह बाउंड्रिया हम संकट की ओर बढ़ रहे हैं 2016 के बाद 2023 इस सदी का अभी तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अब तक की सबसे अत्याधिक गर्मी अगस्त में रिकॉर्ड हुई जुलाई 2023 के बाद दूसरा सबसे गर्म महीना अगस्त तापमान वृद्धि की सीमा में लगभग डेढ़ डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा और 2016 के बाद 2023 दूसरा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है वैसे इसके पीछे माना जा रहा है कि अलिनो के आने के कारण ऐसा हुआ है विकसित देशों द्वारा पेरिस समझौते का उल्लंघन 2015 में पेरिस एग्रीमेंट लाया गया था पेरिस समझौते के तहत इस बात पर ध्यान दिया गया था हमारे देश में पेरिस समझौते में दुनिया भर में कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सीओ टू एमिशन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था और इस सीओ टू एमिशन को कम करने के लिए अलग अलग देशों ने अपने अपने वादे किए थे अमेरिका विकसित देशों ने वादा किया है कि वो जीरो एमिशन 2050 तक आ जाएंगे चीन ने वादा किया है कि 2060 तक वो जीरो एमिशन पर आ जाएंगे भारत ने वादा किया है कि 2070 तक हम जीरो एमिशन पर आ जाएंगे लेकिन अमीर जो देश है विकसित जो देश है वो अपने वादे के अनुसार नहीं चल रहे हैं ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट के मद्देनजर भारत की प्रतिक्रिया भारत का दावा कि विकसित देश द्वारा पेरिस समझौते का उल्लंघन जबकि विकासशील देश समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है भारत का यह भी आरोप है कि विकसित देश विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धताओं से बचने के प्रयास के तहत वित्त संबंधी प्रावधानों की अनदेखी कर रहे हैं विकसित देश पेरिस समझौते के आर्टिकल टू सी को अलग करके देख रहे हैं आर्टिकल टू सी में वित्तीय प्रभाव को कम हरित गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकास के मार्ग के रूप में बनाने की बात की गई है मतलब रियलिटी में इसके तहत ये बात की गई थी कि हम गरीब और विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक मदद करेंगे लेकिन विकसित देश उस आर्थिक मदद को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ये भारत ने आरोप लगाया है पेरिस समझौता 2015 में हुआ था कैटो प्रोटोकॉल 1997 में जो हुआ था 2005 में लागू हुआ था जो दो में पूरी तरह से खत्म हो गया फिर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया जो 2016 में लागू हुआ और 2021 से अब उसी के अनुसार कामकाज चल रहा है। बाध्यकारी था और केवल औद्योगिक देशों पर था गैर बाध्यकारी और सभी देशों पर है। इसके तहत कुछ लक्ष्य तय किए गए थे इसके तहत जो लक्ष्य है हर एक देश को अपने अनुसार तय करने हैं पेरिस समझौते का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम देश का दुनिया का तापमान विश्व का तापमान डेढ़ डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे और डेढ़ से ज्यादा बढ़ जाता है तो दो से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे ग्लोबल वार्मिंग में से पिचहत्तर प्रतिशत ग्लेशियर हो सकते हैं समाप्त यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा ये एंटोनियो गुटेरस ने आधिकारिक बयान दिया वैश्विक के कारण विगत तीन दशकों में नेपाल के पर्वतों का एक तिहाई भाग बर्फ खत्म हो चुका है भारत चीन के मध्य स्थित ग्लेशियर विगत एक दशक में पैंसठ परसेंट से भी ज्यादा तेजी से पिघले हैं और इस सदी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर पिचहत्तर प्रतिशत तक समाप्त तो हो जाएंगे ये बहुत ही चिंताजनक बात है जब तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहेगा तापमान में वृद्धि जारी रहेगी इसके साथ साथ महासागर गर्म और अधिक अमली हो जाएंगे समुद्री बर्फ और ग्लेशियर पिघल जाएंगे समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और परिणाम स्वरूप मौसम अधिक कठोर हो जाएगा एक्सट्रीम हो जाएगा ग्लेशियर के पिघलने के कारण सबसे पहले तो जो नदियां इससे निकलती है उनमें बाढ़ आएगी और फिर वो नदियां हमेशा के लिए सूख जाएगी क्लेशियर के पिघलने के कारण पूरा का पूरा मौसम चक्र और जलवायु बदलना शुरू हो जाएगी तीव्रता से जो घटनाएं धीमे हो रही थी वो तीव्रता से होगी और क्योंकि बर्फ के अंदर पुराने समय की कार्बन डाइऑक्साइड भी पड़ी रहती है बर्फ पिघलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी रिफ्रेश कर दीजिएगा यदि इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो रिफ्रेश कर दीजिएगा प्लीज रिफ्रेश कर दीजिएगा रिफ्रेश कर दीजिएगा बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि होगी नदियों झीलों समुद्र जैसे पानी के अन्य स्रोतों के जल स्तर में वृद्धि होगी बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी प्रवाल भित्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ग्लेशियर मीठे पानी के सबसे बड़े स्रोत है ग्लेशियर की तलछट से फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी मिलती है विश्व के अधिकांश झीलों के बेसिन का निर्माण ग्लेशियर के फलस्वरूप हुआ है पृथ्वी के उष्मा बजट में ग्लेशियर की महत्वपूर्ण भूमिका है फिर है अंटार्कटिक संधि और अंटार्कटिक महाद्वीप में बढ़ती मानवीय गतिविधियां आप जानते हैं कि इस महाद्वीप पर सभी देशों ने मिलकर एक कसम खाई है कि इस पर कोई भी देश अपना राजनीतिक दावा नहीं करेगा रिसर्च के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी धीमे धीमे मनुष्य की तादाद जहाजों की तादाद बढ़ रही है शोधकर्ताओं के द्वारा अंटार्कटिक महाद्वीप में मानवीय गतिविधियों से संबंधित एक अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित पिछले 200 वर्षों में अंटार्कटिक महाद्वीप में मानवीय गतिविधि में वृद्धि हुई है नेचर दुनिया की वो प्र, एक प्रकार से हम कहेंगे मैगजीन है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव विज्ञान के क्षेत्र में होता है और माना जाता है कि यह एक ऐसी मैगजीन है जिसमें छापी गई जो बात होती है उस पर पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों की ध्यान जाता है मानवीय गतिविधियों के कारण अंटार्कटिक के निर्जन क्षेत्र तेजी से कम हो रहे हैं साथ ही क्षेत्र की जैव विविधता बढ़ रही है महाद्वीप के निर्जन क्षेत्र में अधिक जैव विविधता पाई जाती है शोध के अनुसार महाद्वीप के नाइनटी नाइन परसेंट एरिया को अभी भी निर्जन क्षेत्र माना जा सकता है लेकिन इस क्षेत्र में कुछ जैव विविधता अभी भी विद्यमान है किंतु मानवीय हस्तक्षेप के बढ़ते प्रभाव के कारण यह विविधता संकट की ओर अग्रसर है इस शोध में यह भी बताया गया कि अंटार्कटिक क्षेत्र में जैव विविधता का हास और जलवायु परिवर्तन एक दूसरे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं मतलब कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी जो यहाँ पर समाप्त हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं मोटे तौर पर यदि मैं आपसे कहूं तो ये जो पूरा का पूरा रिसर्च है ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हमारे देश आ, हमारे विश्व में ये जो क्लाइमेट चेंज की घटना हो रही है जलवायु परिवर्तन का ये जो प्रभाव हो रहा है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंटार्कटिक क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है मानवीय हस्तक्षेप के बढ़ने के कारण यह प्रभाव और भी तीव्र हो रहा है क्या है अंटार्कटिक संधि इस संधि को वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है एक दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों ने संधि पर साइन किए थे 23 जून 1961 में संधि लागू हो गई थी और भारत ने 1983 में इस पर साइन किए थे संधि का मेन मकसद यह था कि अंटार्कटिक क्षेत्र का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा अंटार्कटिक में प्रादेशिक संप्रभुता के लिए कोई नया दावा या किसी मौजूदा दावे का विस्तार नहीं किया जाएगा संधि में शामिल देशों को अंटार्कटिक में स्वतंत्र वैज्ञानिक रिसर्च करने की स्वतंत्रता होगी वास्तविक रूप में अंटार्कटिक को सुरक्षित इसलिए करना जरूरी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो ठंडा रेगिस्तान है महाद्वीप है जिस पर कई ऊंची मीटर या कई मीटर गहराई तक केवल बर्फ ही बर्फ मिलती है यदि ये पिघलता है तो पूरे के पूरे समुद्री जल तंत्र को परिवर्तित करेगा पूरे के पूरे वैश्विक जलवायु में बदलाव लाएगा संधि में शामिल प्रत्येक पर्यवेक्षक देशों को अंटार्क्टिक के किसी भी या सभी क्षेत्र में किसी भी समय पहुंच की पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि आप अगर रिसर्च के लिए पहुंचना चाहते तो जा सकते हैं यहाँ कोई परमाणु विस्फोट और रेडियो धर्म अपशिष्ट पदार्थ का निपटान भी नहीं हो सकता है प्रतिबंध किया गया संधि के प्रावधान 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिणी क्षेत्र में लागू होंगे मतलब एक लाइन आप खींच दीजिए जो 60 डिग्री वाली होगी उसके नीचे वाले क्षेत्र पर ये प्रावधान लागू होंगे आक्रामक प्रजातियों से प्रतिवर्ष अरबों का नुकसान आक्रामक प्रजातियां फिर वो किसी भी प्रकार की घास की प्रजाति हो सकती है कीटों की प्रजातियां हो सकती है तो किसी भी क्षेत्र में बहुत तेजी से ग्रोथ करती है संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज नामक एक रिपोर्ट पब्लिश की गई इंटर गवर्नमेंटल इकोसिस्टम देशों के शोधकर्ताओं के आक्रामक प्रजातियों के वैश्विक प्रभाव पर चार वर्षों का अध्ययन किया गया मतलब सोचिए कि एट्टी सिक्स की टीम ने जिसमें फोर्टी नाइन देश के वो साइंटिस्ट थे इन्होंने रिसर्च किया क्या कहती है रिपोर्ट आक्रामक प्रजातियों के कारण प्रति वर्ष चार सौ अमेरिकी डॉलर का वैश्विक नुकसान नुकसान होता है। इस हेतु तो विदेशी आक्रमणकारी प्रजातियों की हिस्सेदारी साठ परसेंट है विदेशी का मतलब होता है जैसे तट पर या बॉर्डर पर वहां पर दूसरे जगह से आने वाली कोई कीटों की प्रजाति पक्षियों की प्रजाति 1970 के बाद से हर दशक में चार गुना आर्थिक क्षति हाल ही में हवाई द्वीप में जंगल की आग ज्वलनशील आक्रामक घास के कारण लगी जो पशुओं के चारा गाह के रूप में अफ्रीका से लाई गई थी मतलब एक घास लाई गई थी हवाई द्वीप पर अफ्रीका से ताकि यहाँ के पशुओं को बढ़िया मात्रा में घास मिल सके लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि ये घास इतनी तेजी से बढ़ गई कि यहाँ पर जब आग पर लगी तो वो बहुत ही बड़े विस्तार तक बड़े क्षेत्रफल तक विस्तारित हुई आक्रामिक प्र, आक्रामक प्रजातियां न केवल प्रकृति बल्कि लोगों की भी प्रभावित कर रही और जीवन की भयानक क्षति का कारण बन रही है। आक्रामक प्रजातियों के लगभग चौथाई नकारात्मक प्रभाव भूमि पर होते हैं विशेषकर जंगलों और खेतों वाले क्षेत्र में एक बार फैल जाने के बाद आक्रामक प्रजातियों से छुटकारा पाना मुश्किल है जल कुंभी भूमि पर विश्व की सबसे आक्रामक विदेशी प्रजाति है खास करके भारत में भी लेंटा ना एक फूलदार झाड़ी और काला चूहा वैश्विक आक्रामक पैमाने पर दूसरे और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया में काले चूहे से पूरे के पूरे किसान परेशान हैं और ये भारत से एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की एक जोड़ी लेकर आई थी इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह जो प्रजाति के बारे में वर्णन किया गया है यह वो आक्रामक है जो देश में कहीं ना कहीं आर्थिक हानि का कारण बनती है जैसे जलकुंभी पानी में यह प्रजाति इतना तेजी से बढ़ने लग जाती है कि पूरा जलाशय ही खत्म कर देती है चूहे चूहे की आबादी इतना तेजी से बढ़ती है कि पूरी फसलों को बर्बाद कर सकता है तो तीन है इस दुनिया के सबसे आक्रामक प्रजातियां जलकुंभी लेंटाना और तीसरा है काला चूहा ब्लैक रेट ये सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजातियां मानी गई है द्वीपों पर आक्रामक विदेशी प्रजातियां सबसे अधिक हानिकारक है सभी द्वीपों में से 25 प्रतिशत से अधिक पर विदेशी पौधों की संख्या स्थानीय पौधों से अधिक है दिसंबर 2022 में वैश्विक समुदाय ने कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक विविधता ढांचे में 2030 तक प्राथमिकता के आधार पर ज्ञात आक्रामक प्रजातियों को 50 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है नाम याद रखना कुन्मिंग मॉन्ट्रियल एक प्रकार से सम्मेलन है ये मॉन्ट्रियल नाम आते ही आपके दिमाग में ओजोन याद आएगा लेकिन कुनमिंग मॉन्ट्रियल नाम आते ही आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर बात आ जानी चाहिए कि यहां पर 50 प्रतिशत तक आक्रामक प्रजातियों को कम करने की प्रतिबद्धता की गई है जैविक विविधता पर अभी समय 1992 आक्रामक विदेशी पर्यावरण के एक बड़ा खतरा भी बताई गई थी। साइट्स 1975 में जो सम्मेलन हुआ था या जो साइट एग्रीमेंट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जंगली पशु और पौधों के अस्तित्व को खतरा न पहुंचे इसमें भी प्रावधान किया गया था और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो कि बॉन में हुआ था इसमें भी ऐसी आक्रामक प्रजातियों से पक्षियों की या जीव जंतुओं की रक्षा के प्रावधान थे देखो मैं आपको बता दू माइग्रेटरी और आक्रामक प्रजाति में अंतर क्या है कुछ पक्षी और जीव या मछलियां एक जगह से दूसरी जगह तापमान या फिर जलवायु मौसम बदलने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाती है और फिर वापिस लौट आती है पर ये किसी भी प्रकार से वहां के आर्थिक या किसी भी प्रकार की फसलों को बर्बाद नहीं करती आक्रामक प्रजातियां किसी एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो वही बस जाती है और अपनी आबादी को तेजी से बढ़ा देती है वहां की मूल प्रजातियों को उखाड़ फेंक देती है वहां पर कई प्रकार की फसलों को पौधों को नुकसान पहुंचाती है जैसे हमारे देश में जब गेहूं की कमी हुई थी तो हमने अमेरिका से गेहूं लाया था और उस बदमाश ने अमेरिका से गेहूं जब भेजा तो उसमें गाजर घास के बीज डाल दिए थे गाजर घास भी एक आक्रामक प्रजाति के रूप में मानी जाती है लेकिन सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजाति के रूप में जलकुंभी लेंटाना घास और ब्लैक रेट को काले चूहे को माना जाता है और ये कई प्रकार के दूसरे जीवों के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं आक्रामक प्रजातियां कैसे पहुंचती हैं? कभी व्यापार के माध्यम से कभी यात्रा के माध्यम से कभी टेम्परेचर और वर्षा पैटर्न में बदलाव के कारण वो जगह बदलती हैं जलवायु परिवर्तन देशी प्रजातियों के जीवन चक्र को बाधित करता है जिससे आक्रामक प्रतिस्पर्धियों और शिकारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं फिर है मछलियों की विलुप्ति का खतरा मछलियों की विलुप्ति के खतरे में कई कारक जिम्मेदार है लेकिन ये रिपोर्ट बताती है चार बड़े कारक जलवायु परिवर्तन प्रदूषण जरूरत से ज्यादा शिकार और जलीय पर्यावरण में होने वाला बदलाव इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक रिपोर्ट जारी की है वैश्विक स्तर पर ताजे पानी में पाई जाने वाली मछलियों की करीब एक चौथाई प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बताया गया है और जिसका बड़ा कारण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन विश्व में मछलियों की जितनी भी प्रजातियां ज्ञात है उनमें से आधे से अधिक मीठे पानी की मछलियां हैं और ताजे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र जली आवासों का केवल एक फीसदी मतलब दुनिया में जितना भी पानी है उसका केवल वन परसेंट स्वच्छ पानी का एक प्रकार से जलीय तंत्र बनता है इसके बावजूद यहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जलीय जीवों की मिलती है तो उनका संरक्षण करना जरूरी है आयु ने रिपोर्ट पेश की है पर्वत की चोटियों से लेकर बादलों में भी माइक्रोप्लास्टिक मैं आपको बता दूं इस दुनिया में जब पहली बार प्लास्टिक बना था तो ऐसा लगता था कि दुनिया में इससे ज्यादा ज्यादा बेहतर चीज़ शायद ही कभी बन पाएगी, दुनिया में इससे बेस्ट कोई प्रोडक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा उसका कारण था बहुत ही कम कॉस्ट में बनता था मजबूत था खराब नहीं होता था पानी में खराब नहीं होता था ऐसा लगता था कि प्लास्टिक नहीं मनुष्य ने भगवान को रिप्लेस करने वाली कोई चीज बना दी हो पर इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि अगर ये चीज बायोडिग्रेडेबल नहीं है सूक्ष्म जीवों से अवघटित नहीं होती है तो इसका संग्रहण होगा इस पर कोई ध्यान नहीं गया प्रति वर्ष करोड़ों टन प्लास्टिक जमीन और पानी के माध्यम से धीमे धीमे समुद्र में पहुंचा और यह समुद्र में बहुत ही घुलता गया क्योंकि पानी एक अच्छा घोलक होता है जिसने प्लास्टिक को बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में डिजोल्व कर दिया यह प्लास्टिक समुद्र के अंदर होने के साथ साथ फिर यह वाष्पीकरण के द्वारा पानी के रूप में ऊपर पानी के वाष्प कणों के साथ पहुंचा बादलों में इसकी उपस्थिति अब सोचो वो बारिश जहां भी करेगा वहां पर उस पानी में प्लास्टिक तो आएगा ही जो बर्फ की टोपिया पोषित होती है बर्फबारी से उसमें भी प्लास्टिक के कण पहुंच गए तो हर जगह हम प्लास्टिक पी रहे हैं खा रहे हैं अपनी फसलों को प्लास्टिक दे रहे हैं जीव जंतुओं को प्लास्टिक दे रहे हैं। जापान के वैज्ञानिकों का जनरल केमिस्ट्री लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन वैज्ञानिकों ने माउंट फूजी और माउंट ओया ओयामा की चोटियों पर चढ़ाई करके बादलों से पानी इकट्ठा किया इसके बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का पता लगाने के लिए नमूनों की इमेजिन तकनीक से जांच की अध्ययन के तहत बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की पुष्टि हुई माइक्रोप्लास्टिक बादलों के जरिए धरती पर जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के नौ अलग अलग तरह के पॉलीमर पॉलीथाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन पॉलीथाइली पॉलीएथिलीन और पॉलीथाइलिन दोनों अलग अलग टेपथलेट पॉलीमिथाइलिन ये इतने नाम याद मत रखना लेकिन इतना याद रखना कि नौ अलग अलग प्लास्टिकों की ओर इशारा किया आकार सात दशमलव एक से नाइन सिक्स के हर एक लीटर पानी में प्लास्टिक बादलों में, या पानी में, पाया जाने वाला पॉलीमर मात्रा में है इससे पता चलता है कि कण तेजी से बादल निर्माण और इस प्रकार के जलवायु प्रणाली में भूमिका निभा रहे हैं माइक्रो ऊपरी वायुमंडल में पहुंचते हैं सूरज की रोशनी से पराबेग्नि विकिरण के संपर्क में आते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होती है इसके अलावा कई पूर्ववर्ती अध्ययन में पर्वतों के शिखर तक प्लास्टिक प्रदूषण के पहुंचने की पुष्टि हुई है मतलब धीमे धीमे ये प्लास्टिक प्रदूषण जो हमारे घरों में था हमारे मोहल्ले में था अब वह पर्वतों की चोटियों पर बादलों तक पहुंच चुका है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहा है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं रेत का अवैध खनन आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में विगत चार वर्ष में चालीस हजार करोड़ रुपए के मूल्य की रेत का अवैध खनन हुआ है इससे न केवल पारिस्थिति की तंत्र पर बुरा प्रभाव बल्कि सरकार के राजस्व में भी घाटा हुआ है रेत के इस अवैध खनन के लिए राज्य की निःशुल्क रेत खनन नीति दोषी है हालांकि इस नीति को अभी समाप्त कर दिया गया था कर गया है इस नीति के अनुसार निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध करवाई जाती थी खरीदारों को केवल परिवहन की लागत ही वहन करनी पड़ती थी आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक जांच में कथित तौर पर पाया गया कि निर्माण क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर बिना लाइसेंस वाले यांत्रिक उत्खनन करता ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय और मात्रा से अधिक रेत का खनन किया गया मतलब आंध्र प्रदेश सरकार ने सोचा कि हमारे राज्य में बड़ी संख्या में निर्माण काम होंगे मकान बनेंगे अगर बिल्डिंगे बनेगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन इसमें पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया नदी परितंत्र को नुकसान क्योंकि नदियों के अंदर का जो भी सेडिमेंटेशन था वो कहीं ना कहीं पूरे जीव जंतुओं को प्रभावित करता है नदियों में बाढ़ का खतरा वायु प्रदूषण में वृद्धि जैव विविधता को खतरा भूजल में कमी किनारों का कटाव लैंडस्लाइड आंध आर्द्र भूमियों को भी संकट तटीय बालू खनन चाहे वो वेद हो या अवैध हो हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए तो इसमें उदाहरण आप आंध्र प्रदेश का ही डाल देते तो बहुत बढ़िया रहेगा वर्ष 2023 में क्योंकि 2019 में ये पॉलिसी बंद की गई थी इसलिए चर्चा में आया था वर्ष 2023 में वैश्विक तापन का कारण ज्वालामुखी भी माना गया है अमेरिका के वैज्ञानिकों के एक दल का अध्ययन है 2023 में वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि का एक कारण हुंगा टोंगा हा हुंगा हापाई ज्वालामुखी है वैज्ञानिकों का मत है कि वर्ष दो के अंत में तोंगा तोंगा हुंगा टोंगा हा हुंगा हापाई ज्वालामुखी का जल के नीचे विस्फोट हुआ और जल के नीचे विस्फोट के कारण पानी गर्म होकर बड़ी मात्रा में वाटर वेपर के रूप में बदला वाटर वेपर भी एक ग्लोबल वार्मिंग गैस मानी जाती है आपको पता होगा कि हुंगा, टोंगा हुंगा, हापाई, ज्वालामुखी पश्चिम दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर को दिमाग में लाइए यदि आपको याद आता हो एक तरफ उत्तर और दक्षिण अमेरिका एक तरफ एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया ये बन गया आपका प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग पहले दिमाग में लाइए और दक्षिण के बाद पश्चिमी भाग लाएंगे तो आपको टोंगा द्वीप दिखाई देगा अंत समुद्री ज्वालामुखी है मतलब पूरा समुद्र के भीतर ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के अंदर जाने के कारण ये वही है जहां हम रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं आप मैप में देख सकते हैं नीचे की ओर ये न्यूजीलैंड से ठीक ऊपर हुंगा हुंगा वोल्केनो इस द्वीप का नाम भी हुंगा द्वीप है ये रिंग ऑफ फायर भी कहलाती है सामान्यतः तो बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट तापमान को कम करते हैं ऑब्वियसली क्योंकि ज्वालामुखियों से गैस रिलीज होती है लेकिन ये समुद्र के अंदर हैं और समुद्र के अंदर होने के कारण इसने पानी को गर्म कर डाला सल्फर एरोस और सूर्य के प्रकाश को रोक देता है अगर बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट जमीन पर होते और इस कारण से पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है आपको मैं बता दू की कई तो इंजीनियरों ने यह कहा है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है तो दुनिया के जो शांत ज्वालामुखी हैं उनमें परमाणु विस्फोट कर दीजिए इससे सन डीमिंग की घटना होगी बड़ी मात्रा में गैसें रिलीज होगी सूर्य का प्रकाश कम आएगा और इसके कारण तापमान में गिरावट आएगी किंतु हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी विस्फोट में भारी मात्रा में जलवाष्प का उत्सर्जन हुआ और जलवाष्प भी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है जो सौर विकिरण को अवशोषित करती है और इसी कारण से 2030 में तापमान इतना तेजी से बढ़ा ऐसा एक आरोप लगाया गया है तो एक नई बात आपने क्या सीखी कि यदि ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र के अंदर होंगे तो जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ेगा और यदि यह वोल्केनो विस्फोट जमीन पर होते हैं तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता और आकाश गंगा विकास भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का हालिया अध्ययन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खोज है ये अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण अनस्टेबिलिटी और आकाशगंगा विकास के बीच संबंधों को समझना है एक्चुअली डार्क मैटर तक अभी तक कोई स्टडी नहीं हो पाई है तो इस पर ध्यान दिया जा रहा है सर्पिला आकाशगंगाओं आकाश गंगाओं के पास उच्च औसत तारा निर्माण दर मैं बता दू आपको आप जरा एक चीज को नोट करिएगा कि एक जमाने में आप जब आसमान में देखते थे तो तारों की संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलती थी एक जमाना मतलब अपने पिताजी या दादा दादी से पूछेगा और उनसे कहिएगा कि आपके जमाने में आसमान कैसा दिखता था वो तो आपको बताएंगे कि तारों से बहुत भरा पड़ा इतना कि ऐसा लगता था कि सब जगह तारे ही भरे पड़े हैं लेकिन अब अगर आप आसमान को देखेंगे तो तारों के बीच की दूरियां बढ़ गई है इसलिए बहुत ही कम मात्रा में अब वहां पर तारे दिखाई देते हैं तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है जिसके कारण लगातार हमारी आकाशगंगा फैल रही है इस पर रिसर्च की बात आ रही है कि आखिर इतना तेजी से तारे कम क्यों हो रहे हैं बाकी डार्क मैटर वायुमंडल ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो आज तक देखा नहीं गया है, है।, है, है। लगभग 95 परसेंट से ज्यादा हिस्सा अंधेरी चीज से मिलकर बना है जिसको हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं और ये जो चमकीली चीजें दिख रही हैं, ये हमारा सामान्य संरचना है जिसमें तारे सूर्य ग्रह उपग्रह सब दिखाई देते हैं टाइम हंड्रेड क्लाइमेट मतलब सौ वे लोग जिन्होंने जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाई पत्रिका द्वारा जलवायु परिवर्तन रोकने या कम करने की दिशा में पहल करने वाले विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं की सूची हमें इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है इसमें नौ भारतीयों को जगह दी गई है अजय बंगा भाविश अग्रवाल राजीव जे शाह गीता अय्यर जिगर शाह मनोज सिन्हा एम संजयन सीमा बाधवा और अमित कुमार सिन्हा मैं कहूंगा कि इनके नाम याद रखना इन पर सवाल बनेगा प्रश्न यूपीएससी पूछेगी कि अजय बंगा गीता अयर मनोज सिन्हा एम संजयन हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में थे तो टाइम पत्रिका के द्वारा दुनिया के सौ प्रभावशाली लोगों में इन नौ लोगों का नाम शामिल किया गया है अजय बंगा जी को जून 2023 में विश्व बैंक का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है और याद रखिएगा कि यह दुनिया के वो सौ फेमस लोग हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का केनिया के नेरोबी में एक सम्मेलन हुआ किसका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली ये पर्यावरण की सभा होती है केनिया के नेरोबी में सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने संबंधी विश्व की पहली संधि पारित करने को लेकर चर्चा किंतु परस्पर सहमति के अभाव में अंतिम निर्णय नहीं हुआ अगली बैठक 2024 में कनाडा के ओटोवा में होगी मतलब काम धाम करना कुछ नहीं है लेकिन घूमेंगे अलग अलग शहरों में दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो भी सबसे शक्तिशाली लोग हैं। संधि के प्रावधान और लक्ष्य स्पष्ट निर्धारित नहीं है अभी और तनाव का जो मुख्य कारण है वो ये है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाए जाए या फिर नहीं तेल उत्पादक देशों का द्वारा इसका विरोध क्योंकि प्लास्टिक के निर्माण में जो पेट्रोलियम होते हैं उसके ही यौगिक यूज किए जाते हैं इसलिए तेल उत्पादक देशों को लग रहा है कि इससे तो हमें नुकसान होगा लेकिन याद रखिएगा कि प्लास्टिक जिस तरीके से हमारी दुनिया में बढ़ रहा है पूरी दुनिया इसके कारण संकट में आ जाएगी क्योंकि बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कच्चे तेल से बनता है भारत द्वारा संधि को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाए जाने का समर्थन तो अभी तक इस संधि पर कोई बातचीत नहीं हुई है शायद 2024 में हो कनाडा के ओटोवा में राजधानी में हमारे देश में प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पर आप भी जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक अभी भी मार्केट में मिल रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में प्रतिदिन छब्बीस हजार टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है जिनमें से चालीस परसेंट से अधिक प्लास्टिक कचरा के निस्तारण की कोई व्यवस्था ही नहीं है प्लास्टिक उत्पादन को नियंत्रित करिए तो प्लास्टिक कचरा कम होगा प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाइए तो प्लास्टिक कचरा कम होगा जागरूकता फैलाइए प्लास्टिक का पुनरुपयोग करिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कानूनों का निर्माण और क्रियान्वयन करिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक पहल के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप करना जरूरी है वर्ष दो में भारत में बाघों की रिकॉर्ड मृत्यु एनजीओ है एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया डब्ल्यू पी एस आई 2030 में भारत में बाघों की रिकॉर्ड 204 बाघों की मृत्यु हुई जिसमें अकेले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु 52 एक चौथाई भारत के शीर्ष बाघ राज्य मध्य प्रदेश में भी 45 बाघों की मृत्यु हुई है प्राकृतिक और अन्य कारणों से 79 बाघों की मृत्यु हुई बाकी अवैध शिकार के कारण 55 आपसी संघर्षों के कारण बाघ छियालीस मर गए हैं मतलब मेन रीजन तो ये चिंता का विषय है कि ये अवैध शिकार के कारण नहीं होना चाहिए सड़क दुर्घटनाओं के कारण सात हालांकि भारत में बाघों की आबादी दो में जहां टू नाइन सिक्स सेवन थी अब थ्री वन सिक्स सेवन तक पहुंच गई है फिर एक रिपोर्ट है कि यदि हम टाइगर के आवास को सुरक्षित कर दे तो हम बाघों की संख्या को आसानी से बढ़ा सकते हैं हाल ही में अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी की गई जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर बाघों की बेहतर वृद्धि बताई गई है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बाघों की संख्या में कमी आई है ध्यान से सुनिएगा अरुणाचल प्रदेश में बाघों की संख्या में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं उस आ, मैप हटा दिया हमारी टीम ने इस मैप में खुले तौर पर दिखाया गया कि अधिकतर राज्यों में तो बाघों की तादाद बढ़ गई है लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में बाघ तेजी से कम हुए हैं सबसे ज्यादा प्रतिशत वाइज कमी अरुणाचल प्रदेश के राज्य या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आई है मध्य प्रदेश बाघों की संख्या में सबसे अग्रणी राज्य बन चुका है जहां बाघों की तादाद सबसे ज्यादा है फिर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी 1973 में आया था 1992 में आया था मंत्रालय के अनुसार इस विलय का प्रमुख कारण है दोनों प्रजातियों के पर्यावास में समानता होना दोनों परियोजनाओं के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से कम खर्चे में काम हो पाएगा हालांकि दोनों परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग बनी रहेगी विलय के बाद केवल फंडिंग एक साथ की जाएगी मतलब पैसा एक ही दिया जाएगा सीधे तौर पर कहे तो फंडिंग कम करनी है ताकि दोनों को अलग अलग फंडिंग देने की जगह एक ही फंडिंग में कह दे कि दोनों का संरक्षण कर दीजिए प्रोजेक्ट टाइगर नाइनटीन में जिम कार्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था जिम कार्बेट आप कहेंगे कि नाम अंग्रेजों का क्यों रखा गया है तो ऐसा मत सोचेगा कि अंग्रेजी व्यक्ति हमारे देश पर शासन करने या फिर ऐसा व्यक्ति होगा जो अंग्रेजों का कोई बहुत बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा बिल्कुल भी नहीं जिम कार्बेट उस जमाने के बहुत अच्छे जाने माने बाघ संरक्षक थे जिन्होंने एक बाघ जो सबसे ज्यादा मनुष्यों की हत्या करने वाली बाघिनी थी उस उनको मारा था लेकिन उनको मारने के बाद ही उनके अंदर बहुत से बदलाव आए थे क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ था कि इस बाघिनी ने मनुष्यों की हत्या इसलिए की क्योंकि अब यह शिकार करने लायक नहीं थी इसलिए यह साधारण शिकारों व्यक्तियों को शिकार आसानी से कर लेती थी 1 तो अप्रैल 1973 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंटरनेशनल के सहयोग से और अब प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ जोड़ दिया गया है 2005 में एन बनाया गया था ताकि प्रोजेक्ट टाइगर को बेटर किया जा सके फिर प्रोजेक्ट हाथी 92 में हाथियों के संरक्षण के लिए झारखंड के सिंह भूमि से केंद्र प्रायोजित योजना तीन प्रमुख उद्देश्य थे जंगली हाथी उनके आवास और गलियारों का संरक्षण करना मनुष्य पशु टकराव के मुद्दों का समाधान करना और पालतू हाथियों के कल्याण हेतु काम करना मतलब जंगली हाथियों का संरक्षण मनुष्य और पशु हाथियों के बीच होने वाली झड़पें जो ट्रेन या सड़क के माध्यम से होती थी उसको कम करना और तीसरा पालतू हाथियों का कल्याण करना गजराज सुरक्षा भारत रेलवे की एक नई पहल पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हाथियों को रेल दुर्घटना से बचाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित डिटेक्शन सेंटर 200 मीटर पहले ही रेलवे ट्रैक पर हाथी होने की जानकारी दे पाएगा समय रहते ट्रेन रोकी जा सकेगी और हाथियों की जान बचाई जा सकेगी गजराज सुरक्षा भारतीय रेलवे की पहल है पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व से स्टार्ट हुई फिर है फिर स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा राइनो की वैश्विक स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट रिपोर्ट प्रतिवर्ष 22 सितंबर को पेश की जाती है विश्व गेंडा दिवस पर रिपोर्ट क्या कह रही है भाई अवैध शिकार और आवास स्थान की हानि हर जगह पर आवास स्थान का नुकसान एक प्रमुख कारण है प्रजाति के विलुप्त होने का राइनों की विलुप्ति का प्रमुख कारण बताया गया अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन सूखे के कारण राइनो संकट में आ गए हैं एशिया में बहुत ज्यादा बाढ़ के कारण राइनो संकट में है तो भारत में तो बाढ़ ही कारण बताइएगा राइनो के विलुप्त होने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा शिकार के कारण सफेद गेंडा विलुप्ति के कगार पर है मौसम की बदलती प्रवृत्ति और आक्रामक पौधों की प्रजाति में वृद्धि निकट भविष्य में अफ्रीका और एशिया में राइनों के लिए प्रमुख संकट माना गया है रिपोर्ट के तहत कुछ सुझाव दिए गए हैं कि शिकार को रोका जाए आवास संरक्षण किया जाए सामुदायिक भागीदारी क्षमता निर्माण गेंडो की सुरक्षा के लिए एक समग्र रणनीति विश्व का पहला इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब गेंडा अभी तक आपने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा लेकिन पहली बार किसी गेंडे का निर्माण इस तकनीक से किया गया है क्योंकि इस गेंडे की केवल मादा ही बची थी नर था ही नहीं तो प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म देना पॉसिबल ही नहीं था वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ बायो रेस्क्यू के द्वारा पहली बार प्रयोगशाला में निर्मित उत्तरी सफेद गेंडे के भ्रूण को सरोगेट मां में ट्रांसफर किया गया वर्ष 2018 में आखिरी नर की मौत उत्तरी सफेद गेंडे का विलुप्ति का कारण कह सकते हैं पर आईवीएफ के माध्यम से उत्तरी सफेद गेंडा पैदा करना ही एकमात्र विकल्प बचा था सेराथोथेरियम सिमम कॉटनी इसका जूलॉजिकल नेम है पूर्वी और मध्य अफ्रीका के शुष्क सवाना में पाए जाते हैं किंतु वर्तमान में अब केवल केनिया में ही और वो भी दो ही मादा बची है बस जिनके नाम नाजिन और फातू है दोनों मादाएं हैं आयुसीएन ने इसको पूरी तरह से क्रिटिकल एंडेंजर्ड अत्याधिक संकट ग्रस्त की सूची में रखा है और सबसे बड़ा कारण माना जाता है मानव द्वारा चमड़ी के सौंदर्यात्मक प्रयोजन हेतु तो इनका जो शिकार किया गया तो अब ये केवल दो ही मादाएं बची थी तो इनके बच्चे को जन्म देने के लिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी लाई गई है और इस टेक्नोलॉजी में जो मेल है वो दूसरे प्रजाति के गेंडे का लिया गया है कृषि अवशेष जलाने से देश में बढ़ा पिछह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान भोपाल का रिसर्च है क्या कह रही है रिसर्च ये भी जरा ध्यान दीजिएगा <coughs> अध्ययन के अनुसार कृषि अवशेष पराली पराली के जलाए जाने के कारण पिछले दस वर्ष में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में पिचहत्तर प्रतिशत तक वृद्धि हुई है अध्ययन के अनुसार कृषि उत्पादों को जलाए जाने के कारण पंजाब सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक राज्य बन चुका है इसके सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव एनसीआर में आप जानते अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में प्रदूषण अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है फलस्वरूप परारी जलाने से समस्या और अधिक विकराल हो जाती है सरकार ने परारी जलाने को एक दंडनीय अपराध घोषित किया वही किसानों संगठनों का कहना है कि किसानों के पास पराली के प्रबंधन हेतु तो विकल्प ही नहीं है अभी किसान आंदोलन जो हो रहा है उसमें एक मांग ये भी है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने जो कानून बनाए थे उसमें आपने किसानों को एक्सेप्शनल करने की बात कही थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं वैसे किसानों को इसलिए भी एक्सेप्शनल किया जा सकता है क्योंकि किसान फसल के माध्यम से सीओ टू कैप्चरिंग तो कराते हैं और यदि परारी के लिए कोई बेटर विकल्प लाया जाए तो शायद वे भी इसका कुछ बेटर यूज कर पाएंगे परारी के जलने के कारण वायुमंडल में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की वृद्धि हो जाती है और ये ध्यान दीजिएगा कि यह श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक माना गया है मत फिर दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ गया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में स्मोक टावर लगाने की सिफारिश की थी हर साल दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर आनंद फानंद निर्णय लिए जाते हैं लेकिन इस समय कोई ध्यान नहीं देगा कि अब अगर इस साल दिल्ली में नवंबर दिसंबर में अक्टूबर में प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या करें अभी से कदम उठाए जाने चाहिए अभी से प्लानिंग करनी चाहिए तो चीजें हो पाएगी लेकिन उसी समय बहुत आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो जाएगा सरकार भी एक्टिव हो जाएगी लोग भी एक्टिव हो जाएंगे और फिर टेम्पररी सोल्यूशन लाएंगे अगर सच में परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो यहां पर अब काम करने का समय आ चुका है ये स्मोक टावर होता है कुछ इस तरीके का एक प्रकार से बहुत बड़ा अः हम कहेंगे कि एयर प्यूरिफायर होता है जो गैस को या हवा को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है इसमें हवा एंटर करती है और शुद्ध हवा ऊपर की ओर निकलती है स्मोक टावर व्यवहारिक क्यों नहीं है क्योंकि स्मोक टावर 100 मीटर के दायरे में 17 प्रतिशत प्रदूषित वायु को स्वच्छ करने में सक्षम है और नई दिल्ली में ऐसे सैतालीस स्मोक टावर लगाने पड़ेंगे जिनकी कुल कीमत 12 करोड़ रुपए होगी पर मेरे हिसाब से उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही महंगा है पंद्रह लाख रुपए प्रति माह एक स्मोक टावर का खर्चा आएगा जो कि एक आर्थिक रूप से वहनीय मॉडल नहीं है फिर दिल्ली में एक और चर्चा आई थी कृत्रिम बारिश करने की आपको पता होगा कि कृत्रिम वर्षा अगर आप करना चाहते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है सिल्वर के कंपाउंड छिड़के जाते हैं या फिर ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में आईआईटी कानपुर के सहयोग से प्लानिंग की गई थी जंगल की आग को बुझाना हो सूखे के लिए से लड़ना हो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना हो ओलो के आकार को छोटे कणों में बदलना हो तो कृत्रिम वर्षा एक बेटर विकल्प माना जाता है चाइना इसका बहुत यूज करता है 2014 2014-15 में मराठवाड़ा में सूखे की समस्या से राहत के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम वर्षा का प्लानिंग किया था 2019 में कर्नाटक सरकार के द्वारा क्लाउड सीडिंग परियोजना का संचालन 2025 तक क्लाउड सीडिंग से लगभग 60 परसेंट भूमि को कवर करने की चीन की योजना है वर्तमान में यूएई पैसा है उसके पास तो वो जल संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा का सहारा लेता है दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सहारा लिया जा रहा है और थाईलैंड में सूखे से निपटने के लिए चैलेंजेस ये कि सिल्वर आयोडाइड कोई सस्ती चीज नहीं है चांदी है बहुत महंगा होता है साथ ही साथ ये रसायन मानव शरीर पर भले ही बुरा प्रभाव ना डाले लेकिन जलीय तंत्र पर बुरा प्रभाव डाल सकता है हर बार जरूरी नहीं कि बारिश होगी और ये भी जरूरी नहीं कि जहां सोच रहे वही बारिश होगी फिर दिल्ली में आपको पता होगा कि ग्रैप सिस्टम है ग्रैप मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसको ऐसे समझना जैसे जैसे प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे सरकार एक्शन लेगी लेकिन सच बताए तो केवल सितंबर अक्टूबर नवंबर में ही एक्शन लेती है जैसे अभी दिल्ली का प्रदूषण अगर 400 पार हो जाए तो भी कोई एक्शन लिया नहीं जाता सब चीज नॉर्मल हो जाती है मतलब इसमें 300 से 400 हुआ तो क्या सरकार एक्शन लेगी 400 से 500 हुआ तो क्या लेगी 500 से ज्यादा हुआ तो क्या एक्शन लेगी पर ये वास्तविक रूप में बकवास बस है कि आप कोशिश कर रहे हैं दिखावा कर रहे हैं काम करना है तो ये टाइम है जब आप बेटर तरीके से दिल्ली के प्रदूषण से लड़ सकते हैं ग्रेप में क्या होता है कि क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए अलग अलग चीजें लागू होती है एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसे 2017 से लाया गया था अगर क्वालिटी पुअर है अगर क्वालिटी बहुत पुअर हो जाए सीवियर हो जाए और बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए तो अलग अलग होता है स्टेज वन मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी एयर यदि पीएम टू पॉइंट फाइव या पीएम टेन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मेकेनाइज स्वीपिंग वॉशिंग रोड विथ वॉटर इनफोर्सिंग बेन ऑन फायर क्रेकर इंक्रीजिंग स्क्रूटनिटी ऑफ व्हीकल पोल्यूशन स्टैंडर्ड अगर हम स्टेज वन की बात करें ना तो हम हाँ पूरे साल भर दिल्ली में स्टेज वन रहता है अभी भी अगर आप दिल्ली का प्रदूषण देखेंगे तो 200 से ज्यादा होगा स्टेज टू, वेरी पुअर पुअर एयर के लिए फिर डीजल के जनरेटर पर बैन लगा देंगे पार्किंग फ्री फी जो है वो तीन से चार गुना कर देंगे स्टॉप यूज कोयले और फायरवुड को जलाने पर प्रतिबंध लगा देंगे फिर स्टेज तीन जिसमें फिर किसी भी प्रकार के रोड क्लीनिंग वॉशिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे ब्रिक्स के निर्माण को पूरी तरह से शटडाउन कर देंगे ऑन ऑपरेशन ऑफ कोल बेस्ड को 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 बड़े ट्रक की प्रतिबंध लग दे, लगा देंगे बच्चों की स्कूल बंद कर देंगे लेकिन रियलिटी में अभी इस समय काम करना चाहिए इस समय सब शांत बैठ जाएंगे फिर है भारत में हरित हाइड्रोजन मानक जारी एक्चुअली हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि हरित हाइड्रोजन भारत पैदा कर रहा है ये हरित हाइड्रोजन किस आधार पर कह रहा है तो भारत सरकार ने कानून बना दिया कि देखो किसी भी हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कब कहा जाएगा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के हिस्से के रूप में देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हरित हाइड्रोजन मानक जारी किए उन उत्सर्जन सीमाओं को निर्धारित किया जिसके तहत किसी हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे क्या है भाई यदि ग्रीन हाइड्रोजन का एक किलोग्राम पैदा करने में ज्यादा से ज्यादा दो किलोग्राम सीओ टू की पैदा हुई हो सभी प्रोसेस को जोड़कर तो ऐसे हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं परिभाषा याद करना यह पूछा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा के दायरे में इलेक्ट्रोलाइसिस आधारित बायोमास आधारित हाइड्रोजन उत्पादन तरीका भी सम्मिलित है मतलब अब हमारे देश में तय कर दिया गया कि ग्रीन हाइड्रोजन वो है जहां पर एक किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने में दो किलोग्राम से ज्यादा सीओ टू पैदा नहीं होती है और इसी के तहत हम 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना चाहते हैं 2030 तक और 150 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में स्टार्ट किया गया था भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता विकसित करना प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाना 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के माध्यम से 6 लाख रोजगार पैदा करना भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में नई दिल्ली में शुरू हुई केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री के द्वारा हरी झंडी दी गई 2070 तक जीरो एमिशन के लिए एक बढ़िया कदम है प्रकृति पर्यटन मिशन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लाया है परिस्थिति के रूप से संवेदनशील आर्द्र भूमि पर पर्यटन को बढ़ावा देना उनका मकसद ये है कि जहां आर्द्र भूमिया खतरे में है यदि वहां पर्यटन आ जाएगा तो लोग घूमने आएंगे वहां के स्थानीय लोग फिर उसके कारण रोजगार प्राप्त कर लेंगे अब स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो स्थानीय लोग ये सोचेंगे कि हमारा रोजगार तब तक है जब तक यहाँ आर्द्र भूमि है तो वो स्थानीय लोग आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कदम बढ़ाएंगे ऐसी प्लानिंग के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है इसमें सोलह रामसर स्थलों के बारे में शुरुआत की जा रही है कि हम इसमें लाएंगे मिशन के तहत पांच रामसर स्थलों को अभी शुरुआत में जोड़ा गया है हरियाणा उड़ीसा के दो हैं मध्य प्रदेश के दो और हरियाणा का एक यहां पर शुरुआत की जा रही है कि पर्यटन करने के लिए आ जाइए अगर आप पर्यटन करने के लिए आ जाएंगे तो वहां के स्थानीय लोग आर्द्र भूमि के संरक्षण में भूमिका निभाएंगे फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक, एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्च संचरण बिजली लाइन जो हाई वोल्टेज की बिजली लाइनें होती है माना जा रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी कम हो रही है उनसे टकराने के कारण तो सरकार को दिशा निर्देश दिए गए कि उनके संरक्षण के लिए कदम उठाइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम है अर्दे ओटिस नाइग्रेसिप्स राजस्थान का राज्य पक्षी है इसका स्थानीय नाम गोड़ावन घास के मैदान या चारागह पारिस्थितिकी तंत्र में स्वस्थ होने के संकेतक माने जाते हैं राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्र में और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्रा में मिलता है यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बहुत कम आबादी बची है और साइट में भी सूची वन में रखा गया है हमारे देश के कानून की सूची वन में रखा गया है फिर है विक्टोरिया झील पहली बार देश के लोग देश की सरकार ने विदेश की किसी प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण का प्रोजेक्ट लिया है हम कहेंगे कि एक हमारे देश के एनजीओ है सेंटर फॉर साइंस इन एनवायरमेंट और राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद ये दोनों संस्थाएं हमारे देश की है इसने तंजानिया द्वारा विक्टोरिया झील के पुनरुद्धार हेतु संयुक्त प्रयास का वादा किया है क्योंकि विक्टोरिया झील सूख रही है आप जानते होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है यही से सबसे बड़ी नदी भी निकलती है लंबी नदी निकलती है नील नदी दुनिया की तो विक्टोरिया झील के संरक्षण के लिए भारत प्रयास कर रहा है तंजानिया के साथ इसकी तटरेखा तीन देशों के साथ मिलती है केनिया युगांडा और तंजानिया के साथ कावेरी बेसित का हरित आवरण नष्ट मतलब कावेरी नदी के आसपास जो भी पेड़ पौधे थे वो खत्म हो रहे हैं ऐसी रिपोर्ट आई सी बेंगलुरु ने प्रकाशित की है उन्होंने कहा कि 1965 से 2016 इन 50 वर्षों में 12,850 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वनस्पतियां नष्ट हो चुकी है मतलब कावेरी बेसिन में वनस्पतियों में गिरावट आई है उसके कारण है फसल पैटर्न में बदलाव जल का सही उपयोग नहीं करना कई प्रकार की फसलों को उगाना नदी से रेत का अनियमित खनन करना इस कारणों से कावेरी नदी के आसपास के जो जंगल है वो समाप्त हो रहे हैं संरक्षण के उपाय भी उन्होंने बताए हैं कि प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी प्रणालियों का जल संग्रहण क्षेत्र मैनेज किया जाए नगदी फसल और भूजल के अत्याधिक दोहन पर प्रतिबंध लगाया जाए ऐसी फसलें बोई जाए जो कम पानी में भी ग्रो कर सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने की सलाह दी गई है और अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा पवित्रता के आधार पर कहते हैं दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है कर्नाटक के पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरिया पुष्पगिरी चोटी से निकलती है याद रखना कि कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु और पदुचेरी से ही बहती है केरल से नहीं बहती है लेकिन केरल की कई सहायक नदियां केरल की कई नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं अर्कवती हेमवती लक्ष्मण तीर्थ किमसा काबिनी भवानी हरंगी आप मैप में देख सकते हैं केरल में कावेरी का प्रवाह नहीं है लेकिन केरल की कई छोटी छोटी नदियां आप देखेंगे तो कावेरी के साथ जुड़ती है फिर ओलिव रिडले ये एक्चुअल में उड़ीसा का जो तट है जहां पर हमारे कई मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है अः अब्दुल कलाम द्वीप पर तो वहां पर अभी कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि उसमें उस समय ये जो ओलिव रिडले कछुए हैं, ये आते हैं और अंडे देकर जाते हैं डीआरडीओ के द्वारा जनवरी से मार्च तक उड़ीसा के विलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप पर मिसाइल परीक्षण नहीं करने का निर्णय लिया गया हर साल जनवरी से मार्च में क्योंकि उस समय वो अंडे देने आते हैं ओलिव रिडले सत्तर किलो तक का वजन होता है इसका उड़ीसा के गहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य विश्व में समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है आयुसीएन में इसे सुभेद्य कहा गया है साइट की सूची वन में है हमारे देश की भी तो कानून की सूची वन में रखा गया है हमारे देश का गहिर माता समुद्री इकलौता समुद्री अभ्यारण्य है जैसे हमारे देश में इकलौता बायुस पे रिजर्व मन्नार की खाड़ी है जो समुद्री है फिर है क्लाउडेड लेपर्ड बादलों के जैसे इस पर धब्बे होते हैं तेंदुआ है ये हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा असम के मानस नेशनल पार्क में क्लाउडेड लेपड़ का एक अध्ययन हुआ जिसमें पता चला है कि लेपड़ का व्यवहार अपनी समान प्रजाति के अन्य मांसाहारियों से बहुत अलग है इस व्यवहार को लेकर कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्लाउडेड लेपड़ मानव उपस्थिति से बहुत दूर रहते हैं मेघालय का राजकीय पशु है क्लाउडेड लेपर भारत में क्लाउडेड लेपर त्रिपुरा मेघालय वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश सिक्किम असम मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के इन क्षेत्रों में ही मिलता है फिर कंगारू छिपकली एक नई प्रजाति वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु के शिवगिरी की पहाड़ियों के पास खोजा गया है दक्षिण का हिस्सा जो है वहां पर ये छिपकली थोड़ा सा आप देखेंगे कि पूछ पर खड़ी रखने की क्षमता रखती है जमीन पर ही चलती है ये छिपकली इसका व्यवहार सबसे यूनिक ये है कि ये पेड़ पौधों पर नहीं चढ़ती बल्कि जमीन पर ही चलती है फिर है फ्लड वॉच केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच ऐप शुरू किया है मतलब ये एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी जगह पर भारत में फ्लड आती है बाढ़ आती है तो रियल टाइम में इसकी जानकारी बताई जाती है मतलब मतलब रियल टाइम का मतलब जिस समय समय बाढ़ आ रही होगी उसी समय सूचना आ जाती है साथ ही साथ एप में सात दिन पहले पूर्वानुमान भी तय किया जाता है कि बाढ़ आ सकती है इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव आई सी आई वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक तरीके से ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी वैश्विक कार्यक्रम है और अमेरिका स्थित एक एनजीओ है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के सहयोग से समावेशी संरक्षण पहल के क्रियान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई इस पहल को 2022 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा प्राकृतिक उत्पादों में देशज और स्थानीय समुदाय के लोगों को भागीदारी प्रदान करने और उन उत्पादों से प्राप्त होने लाभ में स्थानीय समुदायों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई देखो ये पहल क्या थी समावेशी संरक्षण पहल के तहत मान लीजिए कि कोई हमारे समाज देश में कोई जनजाति है जो पर्यावरण संरक्षण तो करती है लेकिन उनका कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना उसे बेचना और उस प्रोडक्ट से उनको स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाना यह शुरुआत किया गया था इनिशिएटिव फिर इस पर एक रिपोर्ट पेश की गई है यह पहल वैश्विक स्तर पर पीढ़ियों से अपनी सभ्यता संस्कृति जीवन यापन प्रणाली को संयोजित करने वाले वनों पर आधारित समुदाय के अधिकारों को संरक्षण प्रदान केंद्रित है इसके चार घटक है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों को जोड़ना वैश्विक रूप में लोकल कम्युनिटीज का क्षमता निर्माण करना अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में इन लोकल कम्युनिटीज की भूमिका को बढ़ाना और लोकल कम्युनिटीज के ज्ञान का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करना हमारे देश के जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत सामुदायिक रिजर्व की स्थापना की गई थी संशोधन करके और इसमें पवित्र उपवन को मान्यता प्रदान की गई थी फिर 2006 में वन अधिकार अधिनियम जनजातियों को सौंपे गए थे उसके तहत इस तरीके की बातचीत ऑलरेडी शामिल है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी उन्नीस के पृथ्वी सम्मेलन में शुरू किया गया कार्यक्रम था जिसका मेन मकसद था कि जो भी कार्यक्रमों के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी उसमें वर्ल्ड बैंक यूएनईपी, यूएनडीपी मदद करेंगे पांच जगह पैसा खर्च करने की बात हुई थी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्लाइमेट चेंज के लिए डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटन ऐसे कार्बनिक प्रदूषकों को कम करने के लिए जो वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं और पारा के मिनी माता इस पर भी कमी करने के लिए पैसा खर्च होगा ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के तहत लाया गया था अब बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में इसी के तहत वहां के स्थानीय लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम शामिल किया गया ताकि वहां के स्थानीय लोग उसके संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाए भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या है यह जैव विविधता पर अभी समय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त पर राष्ट्र ढांचा के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है पैसे देता है यह स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक रिसर्च कराता है मतलब ये इन्वायरमेंटल इश्यूज पर ग्लोबल लेवल की स्टडी कराता है तो हम कहेंगे कि केवल और केवल ए आंसर आएगा इसको ये पांच जगह पैसा देता है मीना माता पर भी देता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पीओपी पर भी पैसा देता है डिजर्टिफिकेशन को कम करने पर भी पैसा देता है बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करने के लिए पैसा देता है और क्लाइमेट चेंज को तो रिसर्च या फिर हम कहेंगे कि उसको कम करने के लिए पैसा देता है प्रकृति के बदले ऋण अफ्रीकी देश गेबॉन के द्वारा 500 मिलियन डॉलर के डेप फॉर नेचर स्वेप की घोषणा सेशल के बाद इस तरह गेबॉन अफ्रीका का दूसरा ये देश बना है इनका कहना यह है ये देश की ये जो ऋण आप दे रहे हैं इसका उपयोग हम अपने देश के वनों को संरक्षित करने में करेंगे इसलिए इसका नाम प्रकृति के बदले ऋण है डेप फॉर नेचर स्वेप अधिक ऋण बोझ वाले विकासशील देशों को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए विकसित देशों से मदद लेने का विकल्प प्रदान करता है इसके प्रतिफल में इन देशों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर खर्च करने के लिए सहमत होना पड़ता है डे फॉर नेचर स्वेप पर्यावरण और अन्य नीतिगत चुनौतियों से निपटने हरित विकास का समर्थन करने के लिए कम आय वाले देशों में पूंजी जुटाने के अवसर प्रदान करता है मान लीजिए कि एक सरकार है जो ऋण देना चाहती है दस लाख डॉलर का तो यह सरकार को ऋण देगी कि दस लाख डॉलर का ऋण दिया उसमें से उस सरकार का दायित्व है कि एक हिस्सा जैसे दस लाख का ऋण दिया तो लगभग दो लाख लोकल करेंसी में मतलब आप देखेंगे कि यूएस डॉलर के रूप में अगर हम वैल्यू देखें तो सैकड़ा हजार दस हजार दो लाख यूएस डॉलर के बराबर का लोकल करेंसी में पैसा खर्च करेगी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के रूप में मतलब लगभग एक बटे पांच हिस्सा ये अच्छा है गरीब देशों की मदद भी हो जाती है और पर्यावरण सुरक्षित भी हो जाता है फिर जी ट्वेंटी वृक्षारोपण अभियान जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा सत्रह देशों से पौधों का आयात जी ट्वेंटी जो सम्मेलन हुआ था जिसका नई दिल्ली में रोपण किया गया सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के महत्व को ऐतिहासिक रूप से प्रकट करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक संदेश भी देना अब वो पौधे सुरक्षित है या नहीं किसे पता फिर है आर्थिक गलियारा सॉरी हाथी गलियारा एलिफेंट कॉरिडोर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के तहत भारत के विभिन्न भागों में बासठ नए हाथी गलियारों की पहचान मतलब जहां से हाथी गुजरते हैं एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए हाथियों का वो मार्ग होता है तो इसके तहत अब हमारे देश में कुल 150 हाथी गलियारे हो जाएंगे भारत के 15 हाथी रेंज वाले राज्यों में हाथी गलियारों में 40 परसेंट की हिस्से वृद्धि हो जाएगी पूर्व मध्य भारत में बावन गलियारे सबसे ज्यादा गलियारे हो जाएंगे और उत्तर पूर्व भारत में अड़तालीस गलियारे से संरक्षण के लिए काम करने में और हाथियों के संरक्षण के लिए कदम भी उठाए जाते तमिलनाडु और केरल के नीलगिरी तहर की गिनती की योजना तमिलनाडु और केरल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लुप्त प्राय नीलगिरी तहर की गणना की योजना गणना में पहली बार ड्रोन का उपयोग नीलगिरी तहर का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है वेस्टर्न घाट में और तमिलनाडु का मुकुर्ती नेशनल पार्क नीलगिरी तहर के लिए समर्पित है दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय पहाड़ों में पाई जाने वाली एकमात्र कैप्रिन प्रजाति है संकटग्रस्त मानी गई है इंडेंजर्ड का मतलब संकटग्रस्त है उन्नीस की सूची एक तमिलनाडु का राज्य पशु भी है वो वनों की क, कटाई के कारण घरेलू पशुधन के साथ कंपटीशन के कारण लगातार नीलगिरी तहर का जो क्षेत्र है आवास है वो खंडित हो रहा है यूरोपियन संघ पाम ऑयल आधारित योजना यूरोपियन संघ द्वारा 2030 तक चरणबद्ध तरीके से पाम ऑयल आधारित ईंधन को समाप्त करने की योजना पाम वृक्ष अभी भी विश्व में ईंधन हेतु सबसे बड़े सोर्स है तो पाम का पाम का कटाव जिससे ऑयल की आपूर्ति की चुनौतियों के साथ पर्यावरणीय चिंता है तो यूरोपियन संघ ने निर्णय लिया है कि 2030 तक वो धीमे-धीमे अपने देश में पाम पाम ऑयल पर जो आधारित ईंधन वाली योजनाएं हैं उनको बंद कर देगा ताकि पाम ऑयल के पौधों का संरक्षण किया जा सके क्योंकि वह पर्यावरण के लिए भी कहीं न कहीं खतरा उत्पन्न कर रहे हैं अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2022 में पाम ऑयल से संबंधित एक वैश्विक आकलन के अनुसार पाम ऑयल विश्व का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला वनस्पति तेल है। भारत पाम का सबसे बड़ा आयातक माना जाता है 40 परसेंट हमारे देश में जो वेजिटेबल ऑयल है वो पाम ऑयल ही खर्च होता है पाम ऑयल हमारे देश का आ, मतलब आयात किया जाने वाला सबसे बड़ा टाइप का ऑयल है फिर है मेनिस मिस्टीरिया पेंगोलिन की नवी प्रजाति की खोज हुई है पेंगोलिन एक ऐसा जीव है जो अपने आप को लपेट लेता है पूरी तरह से और इसके जो ये कवर है यह इसको रक्षा प्रदान करते हैं अभी तक आठ प्रजातियां थी चार एशियाई और चार अफ्रीकी अब पेंगोलिन की चीन में नवी प्रजाति खोजी गई इसका मतलब अब पांच प्रजातियां एशिया की हो गई एक रात्रिचर जीव है यह दीमक खाता है चीटियों को खाता है या दीमक को खाता है चीटी खोर भी कहते हैं इसको इसका शिकार होने वाला सबसे ज्यादा स्तनधार शिकार होने वाला स्तनधारी माना जाता है क्योंकि यह एक सुरक्षा कवच अपने ऊपर रखता है पेंगोलिन एक परिस्थिति की तंत्र इंजीनियर माना जाता है कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने के अलावा मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को फैलाने में, में मदद करता है ये बिहेवियर आजकल पूछे जा रहे हैं भारतीय पेंगोलिन का शारीरिक आकार विश्व में पाए जाने वाले पेंगोलिन की नौ प्रजातियों में सबसे बड़ा माना जाता है हमारे देश का नंदन कानन जुलजिकल पार्क उड़ीसा में है जो पेंगोलिन के संरक्षण के लिए समर्पित है आयुसीएन की रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त माना गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस की सूची वन और साइट की सूची वन में रखा गया है निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन से जीव पर भक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावनाओं को कम करने के लिए स्वयं तो को लपेट कर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं तो तीसरा पेंगोलिन आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से अपने अंगों की रक्षा करने के लिए माना जाता है और हेज, हेज डॉग भी मतलब एक प्रकार से एक और तीन जो कि हेज डॉग है ये चित्र आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों कोनो कॉर्पस ये गुजरात की सरकार ने सड़कों पर इस पौधे को लगाने से प्रतिबंध कर दिया है क्योंकि यह श्वसनीय बीमारियां पैदा कर रहा है एलर्जी का कारण बन रहा है तो कोनो कॉर्पस स्पंज सिटी के अवधारणा बेंगलुरु में बाढ़ की बढ़ती बारंबारता के मद्देनजर आईआईटी हैदराबाद द्वारा शहर में स्पंज सिटी के अवधारणा को लागू करने की सिफारिश जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप अनियमित वर्षा के कारण बेंगलुरु बाढ़ के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील सब स्पंज सिटी से तात्पर्य ऐसे शहर है जो अपनी जल प्रबंधन के दृष्टिकोण से पूरी तरह सक्षम है मतलब स्पंज सिटी का मतलब जितना पानी वहां पर गिरेगा वो जमीन के भीतर जाए या फिर ऐसी जगह जा सके जिससे कि शहर में पानी का जमाव ना हो। स्पंज सिटी की अवधारणा 2013 में चीनी प्रोफेसर कोंग जियन यू द्वारा दी गई थी शहरी क्षेत्र को स्पंज की तरह बनाना वर्षा जल को सोखना स्थानीय जल संसाधनों की भरपाई करते हुए बाढ़ के खतरों को कम करना और वर्षा जल संसाधनों का पुनर्चक्रण करना यह अवधारणा जल प्रभाव को धीमा करने उसके प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने और भू जल को रिचार्ज करने में मदद करती है स्पन सिटी एक नए प्रकार की इको सिटी होते हैं जो शहरी जल चक्र पर स्पष्ट रूप से विचार करके चल रहे विकास और शहरीकरण प्रक्रियाओं को मैनेज करते हैं मतलब बारिश होने के बाद पानी जमा नहीं होगा या तो वो जलाशयों में संग्रहित होगा या फिर भूमिगत हो जाएगा या फिर वह नदी के मार्ग से पहुंचाया जाएगा लेकिन वह बाढ़ का कारण नहीं बनेगा स्पंज सिटी के तहत में यूपी छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्य सरकारों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए होते है, ऐसा एको टास्क फोर्स के गठने तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि हमारे देश में पर्यावरण को संरक्षण के लिए भी ऐसा अर्धसैनिक बल होना चाहिए जिसका मेन काम होगा वनों की कटाई को रोकना प्रदूषण को रोकना नदियों में गंदगी जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को निपटने के लिए काम करना तो शायद आने वाले समय में एक इको एक टास्क फोर्स भी आ जाएगा जैसे असम राइफल्स है आईटीबीपी है एसएसबी है सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी ऊर्जा के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक है जिसका नाम है एम्बर उसने एक रिसर्च की कि भारत में अब कितना प्रतिशत सोलर एनर्जी पैदा हो रही है तो जितनी भारत बिजली पैदा करता है उसका 12% बिजली सोलर एनर्जी से भारत अब पैदा करने लग गया है ये बहुत अच्छा आंकड़ा मैं कहूँगा क्योंकि हमारे देश में मात्र दो प्रतिशत के आसपास हम बिजली पैदा करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से लेकिन आप इमेजिन करिए कि सोलर एनर्जी से जो बिजली पैदा की जा रही है वह लगभग बारह प्रतिशत तक पहुंच गई है ये एक अच्छे संकेत की ओर हम इशारा कहेंगे रिपोर्ट के अनुसार 2023 की प्रारंभिक छमाई में भारत के साथ ही यूरोपियन यूनियन तथा तो अमेरिका ने भी लगभग इतना योगदान दिया है वैश्विक स्तर पर 2023 की पहली छमाई सौर ऊर्जा से पांच दशमलव पांच प्रतिशत वैश्विक बिजली का उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से सोलह परसेंट ज्यादा माना गया है तो एक अच्छा हम कहेंगे कि उदाहरण पेश किया गया है कहीं ना कहीं वर्ष दो की पहली संपूर्ण छमाई में भारत ने अपने सात प्रतिशत बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की है यदि भारत को अपनी नई राष्ट्रीय विद्युत योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना है और अपने उच्च विकास दर को बनाए रखना है तो उसे अगले चार पांच वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी करनी होगी ऐसा रिपोर्ट का मानना है एक अच्छे संकेत है जलवायु परिवर्तन और जीवन शैली में बदलाव हमारे देश में जो जी के समूह के संसदीय लोगों के अध्यक्षों की भी बैठक हुई थी जैसे हमारे देश में लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो इसमें भाग लेंगे दुनिया के जो 20 देशों के अलग अलग लोकसभा या उनके संसद के अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं ये नौवा सम्मेलन था यहाँ पर एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जीवन शैली में बदलाव पर चर्चा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए केवल नीति और कानून में बदलाव ही पर्याप्त नहीं है हमारे लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष कह रहे हैं बल्कि इसके लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव मानवता के साझे भविष्य से जुड़ा हुआ है हर कोई अपनी जीवन शैली में ऐसा दृष्टिकोण अपनाए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो फिर है आई बिजबिल हाल ही में नैनीताल के कोसी नदी क्षेत्र में आई बिजबिल पक्षी की एक दुर्लभ प्रजाति मिली शीतकाल प्रारंभ होती है पक्षी लद्दाख जम्मू कश्मीर साइबेरिया जैसे उच्च हिमालयी और शीत क्षेत्रों से उत्तराखंड के कोसी नदी के क्षेत्र में प्रवेश करता है कोसी एक और जगह मिलेगी वो अलग नदी है अलग नदी सहगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा सहगा प्रजाति को गंभीर रूप से मतलब एंडेंजर्ड uh, संकटग्रस्त माना गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना गया है वैज्ञानिक नाम है सेगा टाटरीका मृग की एक प्रजाति है हल्के पीले रंग के इसके सिंह सिंग होते हैं कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्की रूस और मंगोलिया में मिलता है भारत में नहीं है ये अमृत प्रौद्योगिकी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन के महत्व पर एक विज्ञप्ति जारी की गई यह तकनीक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा आईआईटी मद्रास ने विकसित की है आईआईटी चेन्नई ने विकसित किया पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने की एक बेटर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है अमृत टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है इससे जल प्रदूषण कम होगा और आर्सेनिक को हम अलग कर पाएंगे आर्सेनिक एक प्रदूषक है जो कि वायु जल और भूमि में मिलता है अकार्बनिक रूप अत्याधिक विशेला है पेयजल और भोजन से लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से कैंसर और त्वचा पर घाव ब्लैक फुट रोग और निचले अंगों में रक्त वाहिनियों को ये प्रभावित करता है फिर है राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम भारत में लकड़ी बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध पारगमन की सुविधा के लिए इसको लाया गया है मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन श्रम रोजगार मंत्रालय ने लाया है राज्य विशिष्ट पारगमन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी करेंगे एन वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में काम करेगा एक्चुअली क्या होता है कि हर राज्य में से जब आप लकड़ी लेकर गुजरते हैं तो हर राज्य का वन विभाग आपको रोकता है इसमें कई बार माना जाता है कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत टाइम लगता है अब एक एन लॉन्च कर दिया गया है जिसका मेन मकसद होगा वन नेशन वन पास एक बार वो ट्रक को मिल गया तो वो किसी भी राज्य से गुजरे कोई दिक्कत नहीं जाएगी तो ये था 2023 का पूरा इकोलॉजी का या इकोलॉजी इन्वायरमेंट का करंट अफेयर हमारा सी सेट का कार्यक्रम अभी चल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कार्यक्रम को ऑफलाइन में और इकोनॉमी का बैच कल से स्टार्ट हो चुका है अभी भी आप इसकी कक्षाओं की शुरुआत कर सकते हैं बाकी लाइक कमेंट्स और शेयर करते चलिएगा सभी को बेस्ट ऑफ लक बाय